हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1977 की एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म छैला बाबू के बेस्ट फैक्ट रिव्यू एंड समरी। तो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो गाइज, शुरू करते हैं वीडियो। छैला बाबू 1977 की बॉलीवुड की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। यह सोमू मुखर्जी द्वारा लिखित और निर्मित और जॉय मुखर्जी द्वारा निर्देशित किया गया है। छैला बाबू की मुख्य भूमिका में राजेश खन्ना है, जिसमें जीनत अमान, असरानी, ओम शिवपुरी और रंजीत हैं। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। 1977 में इसने 4 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म सुपरहिट हुई थी। जोया द्वारा निर्देशित यह एकमात्र फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। और छैला बाबू की सफलता ने खन्ना के करियर को बढ़ावा दिया और 1976 और 1978 के बीच बॉक्स ऑफिस पर खराब दौर से गुजरे थे। इस फिल्म का निर्देशन किया है जॉय मुखर्जी ने। इसका उत्पादित किया है सोमू मुखर्जी ने। इसमें अभिनय किया है राजेश खन्ना, जीनत अमान, छायांकन नरीमन ईरानी द्वारा संपादित है। BS गर्ल। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। रिलीज की तारीख 29 अप्रैल 1977। देश भारत। भाषा हिंदी। बजट 4 करोड़। यह फिल्म कैरी ग्रांट, अडे हेपबर्न की सुपरहिट फिल्म चराटे से बहुत अधिक प्रेरित लगती है। इस फिल्म में छायाकार नरीमन ईरानी ने इस फिल्म पर काम करते हुए छैला बाबू के अधिकांश कथानक को उधार लेने का फैसला किया और चंद्र बरोट को एक संशोधित कहानी विचार साझा किया, जिन्होंने नई संशोधित कहानी को फिल्म डॉन 1978 के रूप में बनाया। तो गाइज, अब बात करते हैं हम इस फिल्म की भूखंड की कहानी के। इस फिल्म के कहानी को इस प्रकार है। एक सस्पेंस थ्रिलर छैला बाबू पुराने अभिनेता जॉय मुखर के निर्देशन के रूप में दूसरी और एकमात्र सफल फिल्म थी। जीनत द्वारा अभिनीत रीता कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों में छुट्टियां बिता रही है। जीनत अमान ने इसमें रीता का अभिनय किया है, जिसमें कि रीता बनी हुई है, जो एक रीता कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों में अपनी छुट्टियां बिता रही है। रीता एक सकी चैंपियन है। ढलानों पर एक चेतावनी संकेत एक अनोखी व्यक्ति द्वारा काट दिया जाता है और रीता की सखी खतरे में पड़ जाती है। उसे एक स्थानीय सखी गाइड द्वारा बचाया जाता है, जो 1 मिनट बाद फिर से एक गाड़ी चालक के रूप में दिखाई देता है। जब वह उससे पूछती है कि वह वास्तव में कौन है, तो वह एक गीत के साथ जवाब देता है, मैं छैला बाबू हूँ। छैला बाबू ने पहले स्किंग, लाइफगार्ड और फिर तांगे वाला के रूप में पोज दिया था। इस बीच बॉम्बे में रीता के गैंगस्टर पिता की हत्या एक सूटकेस के द्वारा साथ भागने की कोशिश करते हुए की जाती है, जिसमें 80 लाख रुपए की नकदी होती है। एक पुलिसकर्मी उत्सुकता से हत्या के दृश्य पर पहुंचता है और मारने वाला पिता उसके कान में एक नंबर बड़बड़ाता है, 77203। सूटकेस का कोई निशान नहीं होने और अपराध के पीछे खूंखार बिच्छू का संदेह होने पर पुलिस रीता को मुंबई बुलाती है। रीता कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए पहुंचती है और वह स्कीइंग चैंपियन करती है और भी ढलानों और पहाड़ों के बीच जो है स्कीइंग चैंपियन करती है। लेकिन वह उसकी जो है एक संकेत को अनदेखा करती हुई उसको काट कर वह खतरों की ओर दौड़ पड़ती है और उसमें खतरों के बीच चली जाती है स्कीइंग करते हुए। तब वहाँ के एक
स्थानीय गाइड द्वारा उसे बचाया जाता है, और वह उसे अपने बचाने वाले से पूछती उसका नाम पूछती है, लेकिन वह उसे एक गीत के साथ अपना नाम छैला बाबू बताता है। इसी बीच जो है छैला बाबू कई स्किंग लाइफगार्ड और फिर कई तांगे वाले के रूप में पहुंच देता है। यहाँ दूसरी ओर बॉम्बे में रीता का पिता जो होता है बहुत गैंगस्टर पिता की हत्या जो एक सूटकेस के साथ भागते हुए की जाती है, वह उस सूटकेस में 80 लाख रुपए की नकदी होती है, और उसका पिता जब एक पुलिसकर्मी उस पर पहुंचता है हत्या के दृश्य पर पहुंचता है, तो मरने वाला जो है रीता का पिता उसके पुलिसकर्मी के कान में एक नंबर को बोलता है, और वह नंबर बताकर, लेकिन वह सूटकेस पर कोई निशान नहीं होने के कारण अपराध के पीछे जो है एक संदेह होता है। बिच्छू पर संदेह जाता है, जो कि मुंबई में, उसके बाद जो है रीता को मुंबई बुलाया जाता है, और जब वह उसे उसके छात्रावास में छोड़ देता है तो एक सीबीआई इंस्पेक्टर ओमसेपुरी उसका इंतजार कर रहा होता है। वह उसे उसके पिता की हत्या के बारे में बताता है और उससे पैसे के बारे में पूछता है। वह व्याकुल है लेकिन कुछ नहीं जानती है, और वह उसे सीबीआई की जांच में मदद करने के लिए मुंबई लौटने के लिए कहता है। अब जो है रीता वहाँ अपने छात्रावास में पहुंच जाती है, तभी वहाँ सीबीआई इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर उसका इंतजार कर रहा होता है उसके छात्रावास में बैठा हुआ, और उसके बाद वह उसे रीता को बताता है कि उसके पिता की जो है हत्या कर दी गई है, और उसे जो है वह सूटकेस में 80 लाख की नकदी के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन उसे रीता को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, और वह अपनी पिता की मौत की वजह से बहुत ही दुखी और व्याकुल है। तो सीबीआई जो है जांच के लिए उसकी मदद के लिए उसे मुंबई लौटने के लिए कहता है। ऐसे हवाई अड्डे पर उनके आगमन को देख रहे गिरोह और छैला बाबू गले में एक पदक पहने हुए हैं, मैकमोहन रीता पर उसे उसके घर पर हमला करता है और अचानक छैला बाबू से बचाने के लिए कदम रखता है। मैकमोहन अपना बिच्छू पदक देखता है और दोनों पुरुष भाग जाते हैं। छैला बाबू ने रीता के घाव को कोमलता से संभाला और उसे चूम लिया। वह उससे कहता है कि वह उससे प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। अगर वह लूट के पैसे सौंपती है तो वह उसे उसके लिए पुलिस के पास ले जाएगा, अन्यथा उसे डर है कि उसे इसके लिए मार दिया जाएगा। अब सीबीआई और इंस्पेक्टर और रीता और छैला बाबू भी हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां पहले पर ही गिरोह उनको इंतजार कर रहा होता है, और छैला बाबू के गले में एक जो है छैला बाबू गले में एक पदक पहने हुए है, और रीता अपने घर पहुंचती है तो मैकमोहन जो है उस पर वहां पर उसके घर पर हमला करता है, तो छैला बाबू उसे बचाता है। मैकमोहन अपने बिच्छू पदक को देखता है और वहां से जो है दोनों पुरुष वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद जो है छैला बाबू रीता के घाव पर मरहम लगाता है और उन्हें कोमलता से संभालता है, उसे चूमता है और वैसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वह चाहता है कि वह जो सूटकेस में लूट के पैसे वह पुलिस को सौंप दे, अन्यथा उसे अपनी जान का डर रहेगा, उसे कहीं उसे कोई मार न दे मार न जाए। रीता ने अपनी जेब में से एक हीरे का हार लटका हुआ देखा और उसे गुस्से से बाहर निकलने के लिए कहता है। वह उसे बताता है कि समाज ने उसे चोर बना दिया है, कि इसने उसे उसके परिवार से लूट लिया और उसके पास प्रतिशोध के अलावा जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन वह असंगत है। अब रीता ने जो है
रीता अपनी जेब से एक हीरे का हार लटका हुआ देखती है और वह गुस्से से बाहर निकलती है। कहती है कि वह उसे उसे बताता है कि समाज की वजह से उसने चोर वह चोर समाज ने उसे चोर बना दिया है, इसने जिसने उसके परिवार को लूट लिया और वह उसके जो उससे प्रतिशोध लेना चाहता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा है उसके पास। रीता छैला को फिर से मुंबई में पाती है। इस बार एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में वह उसे बताता है कि एक रात पहले उसके शब्दों ने उसे बदल दिया। वह उसे अपने अतीत के बारे में बताता है। इस बीच पुलिस और सीबीआई इंस्पेक्टर को पूरा यकीन है कि छैला बाबू बिच्छू है, लेकिन उन्हें सबूत चाहिए। वह उसे एक नाइट क्लब में ले जाते हैं और वह वहां लिली के साथ छेड़खानी करने लगता है। क्लब रंजीत का है और मैकमोहन भी है। वह छैला बाबू को बिच्छू के रूप में पहचानता है, जैसा कि वह रजनी को बताता है कि छैला बाबू वास्तव में कौन है। जब रीता को छैला बाबू के जेब से हीरो का हार लटका मिलता है तो वह गुस्से में जो है वहां से बाहर निकल जाती है, लेकिन वह उसे बताता है कि समाज ने ही उसे चोर बनाया है और वह उसने उसके परिवार के साथ इसने उसे उसके परिवार से लूट लिया और उसका ही वह प्रतिशोध लेना चाहता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा। यह रीता वहां से बाहर निकल जाती है। तभी रीता मुंबई में फिर से छैला बाबू को मिलती है और वहां पर छैला बाबू को पाती है। एक बार फिर वह जो है टैक्सी ड्राइवर के रूप में छैला से मुलाकात होती है। छैला उसे बताता है कि एक जब उस रात पहले उसके शब्दों ने जो है उसे बदल दिया है और वह पूरी तरह जो है बदल चुका है। अब वह अच्छे कार्य करेगा और अपना बाकी का जीवन अच्छे कार्यों में बिताएगा। वह अपने अतीत के बारे में बताता है और फिर वह अपने जो अतीत होता है उसके बारे में रीता और पुलिस और सीबीआई इंस्पेक्टर को बताता है और उनको जो है उन सभी को छैला पर पूरा यकीन हो जाता है कि छैला बाबू ही बिच्छू है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता। उसके बाद जो है वह एक नाइट क्लब में जाता है जहां पर वह लिली के साथ छेड़छाड़ करता है और वहीं पर ही क्लब का मालिक रंजीत और मैकमोहन भी वहीं पर होता है। मैकमोहन जो है छैला बाबू को पहचान लेता है और वह उसे बताता है, रंजीत को बताता है कि यही वास्तव में छैला बाबू कौन है। लेकिन उसे जल्द ही बताया जाता है कि कई भेष बदलने वाला आदमी बिच्छू हो सकता है जो उसके पिता का हत्यारा हो सकता है। उग्र रीता अब छैला को मारने के लिए दृढ़ हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो है रीता को यह बताया जाता है कि यह कई भेष को बदलने वाला आदमी जो है छैला बाबू नहीं, यह छैला बाबू के भेष में जो है बिच्छू का आदमी हो सकता है और जो तरह तरह पर भेष बदलता रहता है। यह अब जो है रीता अपने पिता का हत्यारा ले हत्यारे हत्यारों को से बदला लेने के लिए जो है बहुत ही गुस्से में होती है और वह अब जो है रीता छैला को मारने के लिए एक दृढ़ संकल्प लेती है। लेकिन बाकी की कहानी, छैला बाबू कौन है, वह लड़की के पीछे क्यों है और वह कसूर में कैसे था जब रीता भी वहां थी, अंत में रीता और छैला बाबू एक हो जाते हैं, यह भी दिखाया गया है कि छैला वास्तव में एक पुलिस आयुक्त था। 1977 में इसने 4 करोड़ का कलेक्शन किया और सुपरहिट हो गई। इसे बॉलीवुड गाइड कलेक्शन में 4 स्टार मिले हैं। और गाइस अब बात करते हैं हम इस फिल्म के कास्ट की। इस फिल्म में किन किन कलाकारों ने अभिनय किया है, तो यहाँ पर हम छैला बाबू के रूप में राजेश खन्ना ने इसमें अभिनय किया है। जो इसमें फिल्म में दिखाया जाता है तरह तरह के रूप बदलता है, कभी टैक्सी ड्राइवर के रूप में, कभी स्किंग के रूप में और कभी
घोड़ा तांगे के रूप में दिखाया जाता है, और यह रीता के पीछे जो है पड़ा हुआ होता है। और क्यों इस लड़की के पीछे रहता है, यह कश्मीर में भी और मुंबई में भी सब जगह जो है इसके पीछे दिखाई देता है। बाद में पता चलता है कि वास्तव में छैला बाबू कोई और नहीं, एक पुलिस आयुक्त है। रीता वर्मा के रूप में जीनत अमान ने अभिनय किया है, जो अपने पिता के हत्यारे को ढूंढ रही है और उससे वह बदला लेना चाहती है। असरानी चितकू के रूप में समूह स्त्री के रूप में रंजीत ने, जो कि एक क्लब का मालिक है। लिली के रूप में पद्मा खन्ना ने इसमें अभिनय किया है। पी जयराज प्रताप वर्मा के रूप में, मनमोहन समूह टू के रूप में, गुलशन अरोड़ा के रूप में गुलशन, मैकमोहन मैक के रूप में, चितकू के भाई के रूप में रविंद्र कपूर, सीबीआई इंस्पेक्टर के रूप में ओम सिपुरी, अचला सचदेव माँ के रूप में, डी के सुप्रूम पिता के रूप में, मोहन सेरी सेरी के रूप में, नशे में आदमी के रूप में जानी वेश की बिच्छू की आवाज के रूप में कादर खान, यूसुफ खान अभिनेता प्रताप द्वारा मारे गए व्यक्ति के रूप में, पुलिस निरीक्षक के रूप में आसिम कुमार, मास्टर सलीम युवा छैला बाबू के रूप में। तो यह तो इसकी फिल्म के कास्ट की जानकारी, और अब हम बात करने जा रहे हैं इस फिल्म के गीत और संगीत की। फिल्म का पृष्ठभूमि संगीत कुछ बहुत ही क्लासिक पश्चिमी संगीत ट्रैक से प्रेरित है, जैसे ब्रूस ली फिल्म एंटर द ड्रैगन और पश्चिमी फिल्म द गुड द बैड एंड द अगली। प्रारंभिक शीर्षकों के दौरान बजाए गए पार्श्व संगीत को विजू शाह द्वारा संगीत फिल्मी यलगार 1992 में हो जाता है, कैसे प्यार न जाने कोई गीत में भी सुना जा सकता है। गीतकार आनंद बख्शी, इस फिल्म में जो है 7 ट्रैक है, 7 गाने हैं, और सबसे पहले नंबर पर आता है मैं छैला बाबू, मैं बाबू छैला। इस गीत को किशोर कुमार ने गाया है। नंबर 2 पर आता है यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, इसे गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने। नंबर 3 पर आता है कल रात सड़क पे एक लड़की, इस गीत को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया है। नंबर 4 पर आता है हमको निकलोगे घर से, इस गीत को गाया किशोर कुमार और आशा भोसले ने। नंबर 5 पर आता है छैला मेरा छैला हैप्पी वर्जन, इसे लता मंगेशकर ने गाया है। और नंबर 6 पर आता है छैला मेरा छैला दुख संस्करण, इसे भी लता मंगेशकर जी ने गाया है। नंबर 7 पर आता है छैला तेरा छैला आया दुख संस्करण, किशोर कुमार ने गाया है। यह फिल्म 1977 की सुपरहिट फिल्म है और इसने 4 करोड़ रुपए का जो है कलेक्शन किया है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता के रूप में राजेश खन्ना और जीनत अमान ने अभिनय किया है, और बहुत से सह कलाकारों ने भी इस फिल्म में अभिनय किया है, और यह 1977 की एक सुपरहिट फिल्म है। राजेश खन्ना एक भारतीय अभिनेता है, जिनका नाम जतिन खन्ना भी है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया, बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार के रूप में डब किया। उन्होंने 1969 के से 1971 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में अभिनय किया। वे हिंदी में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता थे। 1970 और 1980 के दशक में सिनेमा उनकी प्रशंसा में 4 शामिल थे, BFJ पुरस्कार और 5 फिल्मफेयर पुरस्कार, और 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 29 दिसंबर 1942 में हुआ था और मृत्यु 18 जुलाई 2012 में 69 वर्ष की उम्र में मुंबई में।
राष्ट्रीयता भारतीय भारतीयता शिक्षा केसी कॉलेज, पेशा अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ। सक्रिय वर्ष 1966 से 12 तक। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जीवन साथी डिंपल कपाड़िया। संतान ट्विंकिल खन्ना, रिक्की खन्ना बेटी, अक्षय कुमार दामाद, सिंपल कपाड़िया भाभी। पुरस्कार पद्म भूषण। खन्ना ने 1966 में आखिरी खत के साथ अपनी शुरुआत की, जो 1967 में भारत की पहली आधिकारिक ऑस्कर एंट्री थी। 2005 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड की 85वीं वर्षगांठ पर फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वे 1992 और 1996 के बीच नई दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं लोकसभा में संसद सदस्य थे। 1992 में नई दिल्ली उपचुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुने गए। उनकी शादी डिंपल कपाड़िया से हुई थी। मार्च 1973 में उनकी पहली फिल्म बॉबी रिलीज होने से 8 महीने पहले, और शादी से उनकी दो बेटियां थी। उनकी बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना एक अभिनेत्री है, जिसकी शादी अभिनेता अक्षय कुमार से हुई है, जबकि उनकी एक छोटी बेटी रिंकी खन्ना भी है। बीमारी की अवधि के बाद 18 जुलाई 2012 में उनका निधन हो गया। उन्हें उनकी समानता में एक डाक टिकट और मूर्ति से सम्मानित किया गया, और भारत में प्रधानमंत्री द्वारा उनके नाम पर एक सड़क का नाम बदल दिया गया है। 2014 में यासर उस्मान द्वारा उनकी जीवनी राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फास्ट सुपर फास्ट और पेंगुइन बुक द्वारा प्रकाशित किया गया था। 2018 में लाजपत नगर राष्ट्रीय उद्यान में 1 किलोमीटर के फिटनेस ट्रेन का नाम खन्ना के नाम पर रखा गया था, जिनका उद्घाटन उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया ने किया था। राजेश खन्ना 29 दिसंबर 1942 में को पैदा हुए थे, अमृतसर के वर्तमान राज्य पंजाब में, एक हिंदू में खत्री परिवार। जतिन खन्ना के रूप में उन्हें चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने गोद लिया और पाला, जो उनके जैविक माता पिता के रिश्तेदार थे। उनके पिता पश्चिम बंगाल से अमृतसर के गली तिवारी में चले गए। उन्हें जैविक माता पिता लाला हीरानंद खन्ना और चांदनी खन्ना ने लाला ने ब्यूरोवाला में एम सी हाई स्कूल के हेडमास्टर के रूप में काम किया। वर्तमान में बहरी जिला पंजाब पाकिस्तान। उनके दत्तक माता पिता रेलवे ठेकेदार के एक परिवार से थे, जो 1935 में लाहौर से बॉम्बे चले गए थे। खन्ना सरस्वती निवास में रहते थे, मुंबई के गिरगांव के पास ठाकुर द्वार में। उन्होंने अपने दोस्त रवि कपूर के साथ सेंट सेबेस्टियन ओवन हाई स्कूल में पढ़ाई की, जिन्होंने बाद में मंच का नाम जितेंद्र रखा। खन्ना ने धीरे धीरे थिएटर में रुचि लेना शुरू कर दिया। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में कई स्टेज और थिएटर प्ले किए, और इंटर कॉलेज ड्रामा प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार जीते। 1962 में खन्ना ने अंधायुग नाटक में एक घायल मूक सैनिक की भूमिका निभाई, और उनके प्रदर्शन से प्रभावित हुए मुख्य अतिथि ने सुझाव दिया कि वह जल्द ही फिल्मों में आए। खन्ना एक दुर्लभ नवांगतुंग बन गए, जिसके पास अपनी एमजी स्पोर्ट्स कार थी। 1960 के दशक की शुरुआत में थिएटर और फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष किया था। खन्ना ने 1959 से 1961 तक पुणे के नौरोजी वाड़िया कॉलेज में कला में स्नातक की पढ़ाई की। खन्ना ने बाद में केसी कॉलेज मुंबई में अध्ययन किया, और जितेंद्र ने सिद्धार्थ जैन कॉलेज से पढ़ाई की। खन्ना ने अपने पहले फिल्म ऑडिशन के लिए जितेंद्र को पढ़ाया। खन्ना के चाचा के तलवार ने खन्ना का पहला नाम राजेश में बदल दिया, जब उन्होंने फिल्मों में प्रवेश करने का फैसला किया। उनके दोस्त और उनकी पत्नी उन्हें काका पंजाबी में बच्चे के समान सामना करने वाले कहा।
1960 के दशक में अभिनय कैरियर की शुरुआत की है। राजेश खन्ना 1965 की अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता में 1000 से अधिक प्रतियोगिता में से 8 फाइनलिस्ट में से एक थे, जो यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही FTII के अन्य छात्र सुभाष घई और धीरज कुमार भी थे। राजेश खन्ना ने फरीदा जलाल के साथ प्रतियोगिता जीती। BR चोपड़ा, बिमल रॉय, जी पी सिप्पी, HS रवेल, नासिर हुसैन, जे ओम प्रकाश, मोहन सहगल, शक्ति सावंत और सुबोध मुखर्जी और अन्य यूनाइटेड प्रोड्यूसर संगठन बनाया था और उस समय प्रतियोगिता के निर्णायक थे। उन्होंने 1966 में चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म आखिरी खत में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद रविंद्र दवे द्वारा निर्देशित राज दोनों ही अखिल भारतीय संयुक्त निर्माता प्रतिभा प्रतियोगिता जीतने के लिए उन्हें पूर्व निर्धारित पुरस्कार का हिस्सा थे। प्रतियोगिता जीतने के बाद राजेश खन्ना को साइन करने वाले पहले जी पी सिप्पी और नासिर हुसैन थे। आखिरी खत 1967 में 40वें अक्सर अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भारत की प्रविष्टि थी। खन्ना ने अखबार द हिंदू को एक साक्षात्कार में कहा था कि हालांकि आखिरी खत मेरी पहली फिल्म है, मुझे 1967 में रविंद्र दवे की राज में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में पहला ब्रेक मिला। मेरी नायिका बबीता थी, जो उस समय पहले से ही एक लोकप्रिय अभिनेत्री थी। हालांकि मुझ में बहुत आत्मविश्वास था, फिर भी मैं शुरू में कैमरे का सामना करने में शर्माता था। अपने पहले 3 शॉट में मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी पर जोर देकर परफॉर्म करना था। हालांकि मैंने अपने संवादों के साथ सही था, लेकिन मेरी हरकतें ठीक नहीं थी। रविंद्र दवे ने मुझे मेरे चलने के तरीके को सही करते हुए मेरे दृश्य और हरकतों पर बहुत स्पष्ट रूप से समझाया। यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के साथ अनुबंध के तहत उन्हें औरत, डोली और इत्तेफाक जैसे प्रोजेक्ट मिले। जब उन्हें बहारों के सपने, औरत 1967, डोली, आराधना और इत्तेफाक जैसी फिल्मों में उनके अभिनय के लिए देखा गया, में बहारों के सपने रन के पहले सप्ताह में जनता से प्रतिक्रिया के लिए मजबूर, फिल्म के दूसरे सप्ताह में एक खुशहाल के लिए एक दुखद एक से परिवर्तित करने ही न खत्म होने वाली, बाद में वहीदा रहमान का सुझाव दिया असित सेन में मुख्य भूमिका के लिए खन्ना लेने के लिए खामोशी, आराधना के माध्यम सवे तत्काल राष्ट्रीय ख्याति तक पहुंचे और फिल्म समीक्षकों ने उन्हें भारत का पहला सुपरस्टार कहा, क्योंकि उन्हें दी गई दीवानगी और बड़ी भीड़ वे खींच सकते थे। राजेश खन्ना को शर्मिला टैगोर और फरीदा जलाल के साथ दोहरी भूमिका पिता और पुत्र में लिया गया था। इसने किशोर कुमार के पुनरुत्थान को भी देखा, जो अंतर राजेश खन्ना की आधिकारिक पार्श्व आवाज बन गई। उन्होंने 1987 में किशोर की मृत्यु तक एक साथ काम किया और उनके सहयोग के गीत 1991 तक जारी किए। 1971 में उन्होंने हाथी मेरे साथी में अभिनय किया, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली और अब तक की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई। खन्ना को सलीम खान और जावेद अख्तर को हाथी मेरे साथी में काम करने की पेशकश करने के पटकथा लेखक बनने का पहला मौका देने का श्रेय दिया जाता है। जावेद अख्तर ने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया और कहा, एक दिन वह सलीम साहब के पास गए और कहा कि मिस्टर देवर ने उसे एक बड़ी हस्ताक्षर राशि दी है, जिसके साथ वह अपने बंगले आशीर्वाद के लिए भुगतान पूरा कर सकता था। लेकिन फिल्म की पटकथा थी संतोषजनक होने से बहुत दूर। उन्होंने हमसे कहा कि अगर आप हम स्क्रिप्ट को सही कर सकते हैं तो वह सुनिश्चित करेंगे कि हमें पैसा और क्रेडिट दोनों मिले। राजेश ने कर्टन रोड
प्रोमोनेट में डिम्पल नाम का एक राजेंद्र कुमार का बंगला 1970 में 31 लाख में खरीदा और इसका नाम बदलकर आशीर्वाद रखा। राजेश खन्ना की 1969 और 1971 के बीच लगातार 5 एकल हिट फिल्में थी। ये आराधना, डोली, बंधन, इत्तेफाक, दो रास्ते, खामोशी, सफर, द ट्रेन, कटी पतंग, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, महबूब और थी और महबूब की मेहंदी, छोटी बहू, आनंद और हाथी मेरे साथी। 1969 से 1971 तक उनके पास मुख्य नायक के रूप में लगातार 17 हिट फिल्में थी, जिनमें 15 एकल नायक फिल्में और 2 गैर एकल नायक इनमें शामिल थी। अंदाज और मर्यादा 1971 में बदनाम फरिश्ते बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 1972 में खन्ना ने तेलुगु फिल्म बंगारू बाबू सहित 11 रिलीज में अभिनय किया। उस वर्ष उनकी फिल्म अमर प्रेम, अपना देश और मेरे जीवन साथी ने एक साथ 5 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। जैसे 1972 में उनकी अन्य दो फिल्में दिल दौलत दुनिया, बावर्ची, जोरू का गुलाम और शहजादा 4.5 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। उनकी अगली रिलीज अनुराग हिट रही और वे फिल्म मालिक 1972 के अंत में रिलीज हुई असफल रही। उन्होंने 1973 में बीबी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्देशित बंगारी बाबू नामक एक तेलुगु फिल्म में अतिथि भूमिका निभाई, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। द हिंदू अखबार द्वारा 2014 में लिखी गई राजा रानी की समीक्षा के अनुसार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 2014 की मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए फिल्म ने 100 करोड़ से अधिक की कमाई की होगी। खन्ना ने जो पोशाक पहनी थी, वह बिना आस्तीन की शर्ट और पतलून, मोटी चमड़े की बेल्ट, बिना मोजे के जूते और एक काली टोपी थी। हिंदू समीक्षा में कहा गया कि एक कम अभिनेता पर पोशाक सपाट हो जाती है, लेकिन खन्ना एक छोटे से समय के चोर के रूप में इस विशेषता के साथ ले जाते हैं। राजेश ने मुमताज के साथ 8 फिल्मों में काम किया। वे पड़ोसी थे और बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए, जिसका स्क्रीन पर अनुवाद हुआ। मुमताज ने कहा, मैं उनकी टांग खींचूंगी और उनकी फैन फॉलोइंग के बारे में उन्हें चिढ़ाऊंगी। जब भी राजेश मद्रास के एक होटल में प्रवेश करते थे, तो आधी रात को उन्हें देखने के लिए 600 लड़कियां की कतार लग जाती थी। नतीजन मुझे भी कुछ महत्व मिलता, जैसे कि लोग मेरा ऑटोग्राफ भी मांगते थे। वह अपने साथियों के साथ बहुत उदार थे और खूब पार्टी करते थे। अपने कैरियर के चरम के दौरान सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान उन्हें घेर लिया जाता था। प्रशंसकों ने उसकी कार को चूमा जो लिपस्टिक के निशान से ढकी होगी और उसके नाम का जयकार लगाते हुए सड़क पर लाइन लगा दी। महिला प्रशंसकों ने उन्हें उनके खून से लिखे पत्र भेजे। हर दिन उनके बंगले के बाहर उनके निर्माताओं और उम्मीद प्रशंसकों की कारों की कतार लगी थी। अभिनेता महमूद ने बॉम्बे से गोवा में उनकी प्रोड़ी की, जहां बस के ड्राइवर और कंडक्टर को क्रमशः राजेश और खन्ना कहा जाता था। आज भी वह मिमिक्री करने वाले कलाकारों के फेवरेट बने हुए हैं, जो उनके ट्रेडमार्क स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी को कॉपी करते हैं। अमर प्रेम के फिल्मांकन के दौरान एक दृश्य था, जिसे हावड़ा ब्रिज पर खन्ना और शर्मिला को पुल के नीचे ले जाने वाली नाव के साथ शूट करने की आवश्यकता थी। अधिकारियों ने इस दृश्य को खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि अगर जनता को पता चला कि तारा होगा और तो यह पुल पर समस्या पैदा कर सकता है और अपने पसंदीदा अभिनेता की एक झलक पाने की कोशिश कर रहे लोगों की संख्या के कारण यह गिर सकता है। फिल्म समीक्षक मनोजीत लहरी याद करते हैं, लड़कियों ने खुद की शादी राजेश खन्ना की तस्वीरों से की। उनकी उंगलियां काटकर और खून को सिंदूर के रूप में लगाकर राजेश भगवान थे, ऐसा उन्माद भी नहीं हुआ। वर्ष 1974 में 1973 में रिलीज हुई फिल्मों में सम्मान में फिल्म फेयर पुरस्कार आयोजित किए गए। खन्ना को दाग में
एक जटिल भूमिका में उनके प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया था। हालांकि चूंकि ऋषि कपूर ने बॉबी में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए 3,000 रुपये का भुगतान किया था, खन्ना ने दाग में अपने प्रदर्शन के लिए पुरस्कार नहीं जीता। 1970 के दशक में किशोर द्वारा गाए गए कई गाने राजेश खन्ना पर आधारित थे। आराधना में मेरे सपनों की रानी गीत के फिल्मांकन के दौरान शर्मिला टैगोर सत्यजीत रे की एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और निर्देशक शक्ति सावंत को उनके दृश्यों को अलग से शूट करना था और फिर दृश्यों को एक साथ जोड़ना था। 1970 के दशक में शर्मिला टैगोर, मुमताज, आशा पारेख, जीनत अमान, तनुजा और हेमा मालिनी के साथ उनकी केमिस्ट्री दर्शकों के बीच लोकप्रिय थी। 1973 में बीबीसी ने उनकी मैन अलाइव श्रृंखला के एक भाग के रूप में बॉम्बे सुपरस्टार के रूप में उन पर एक वृत्तचित्र भी बनाया। शूटिंग तब शुरू हुई जब उनकी शादी हुई और उनकी फिल्म दाग का प्रीमियर हुआ। वीडियो में देखा जा सकता था कि खन्ना आपकी कसम की शूटिंग कर रहे थे। मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एक पाठ्य पुस्तक में एक निबंध था, राजेश खन्ना का करिश्मा। शर्मिला टैगोर ने द इंडियन एक्सप्रेस वे को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि महिलाएं काका को देखने के लिए बाहर निकली, वे एक झलक पाने के लिए स्टूडियो के बाहर कतारों में खड़े होंगे, वे उनकी तस्वीरों से शादी करेंगे, वे उनके कपड़े खींचेंगे। दिल्ली की लड़कियां थी मुंबई की लड़कियों की तुलना में उनके लिए पागल। उसे पुलिस सुरक्षा की जरूरत थी जब वह सार्वजनिक रूप से था। मैंने पहले या बाद में ऐसा कुछ नहीं देखा। संगीत अपने पूरे कैरियर में राजेश खन्ना की सभी फिल्मों के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक रहा। उनकी हमेशा फिल्में हमेशा चार्टबस्टर साउंडट्रैक वाले संगीत के लिए जानी जाती है, जिसका कारण यह था कि खन्ना व्यक्तिगत रूप से कल्याण जी, आनंद जी, आर डी बर्मन, शंकर जय किशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एस डी बर्मन, बप्पी लहरी जैसे संगीत निर्देशकों के साथ संगीत सत्रों में बैठते थे और अपनी फिल्मों में युगल और एकल गीतों में के लिए धुनों का चयन करते थे। उन पर फिल्माए जाने वाले एकल गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए वह व्यक्तित्व रूप से उपस्थित रहते थे। खन्ना की फिल्मों के लिए कई संगीत स्कोर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शशि देव बर्मन और आर डी बर्मन द्वारा रचित थे। राजेश खन्ना, किशोर कुमार और आर डी बर्मन की तिगड़ी ने कई लोकप्रिय फिल्में बनाई, जिसमें कटी पतंग, अमर प्रेम, शहजादा, अपना देश, जीवन, मेरे जीवन साथी, आपकी कसम, अजनबी, नमक हराम, महाचोर, कर्म शामिल है। फिर वही रात, आंचल, कुदरत, अशांति, अगर तुम ना होते, आवाज, हम दोनों और अलग अलग। खन्ना गुरुदत्त, मीना कुमारी और गीता बाली को अपना आदर्श मानते थे। खन्ना ने एक साक्षात्कार में कहा, मेरी प्रेरणाओं में दिलीप कुमार का समर्पण और तीव्रता, राज कपूर की सजगता, देव आनंद की शैली और समीर कपूर की लय शामिल है। 1976 और 1978 के बीच खन्ना ने 7 फिल्मों में अभिनय किया जो व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही। इन फिल्मों में शामिल महबूबा, बुलंदबाज, त्याग, पलकों की छाव में, नौकरी और जनता हवलदार, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया, शक्ति सावंत, समी कपूर, दीनदयाल शर्मा, मेजर ऋषिकेश मुखर्जी, बसु चटर्जी और क्रमशः महमूद अली। खन्ना ने सावंत को अपनी भाभी सिंपल कपाड़िया को अनुरोध में उनके सामने कास्ट करने के लिए राजी किया। राजेश खन्ना अभिनीत और शक्ति सावंत द्वारा निर्देशित फिल्में व्यावसायिक रूप से सफल रही, लेकिन महबूबा अपवाद थी। रोमांटिक और सामाजिक फिल्मों से एक्शन उन्मुख मल्टी स्टारर में बदलाव के कारण बॉक्स ऑफिस रेटिंग के मामले में खन्ना के कैरियर में कुछ गिरावट आई। भारत में आपातकाल की घोषणा ने जनता को नाराज कर दिया और इसे भ्रष्टाचार और स्थापना के खिलाफ विद्रोह करने वाले मुख्य चरित्र वाली फिल्मों को सफल होने में मदद मिली। अभिनेता जय मुखर्जी ने
1977 में छैला बाबू को एक सस्पेंस थ्रिलर बनाया, जो एक निर्देशक के रूप में उनकी एकमात्र सफल फिल्म बन गई और अप्रत्याशित सफलता छैला बाबू ने खन्ना के कैरियर को बढ़ावा दिया। हालांकि खन्ना ने इस युग के दौरान मूल रूप से एकल नायक, सामाजिक रूप से शांत, घरेलू अर्थपूर्ण फिल्मों में काम करना जारी रखा और विभिन्न शैलियों की फिल्मों में कई तरह के किरदार निभाए। इस चरण के दौरान भी उन्हें महाचोर, अनुरोध, भोला भाला, टिंकू और करम जैसी बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्में मिली। सत्यम शिवम सुंदरम में मुख्य भूमिका के लिए खन्ना निर्देशक राज कपूर की पहली पसंद थे, लेकिन राज कपूर खेमे के कुछ सदस्यों ने खन्ना के प्रमुख होने का कड़ा विरोध किया, विशेष रूप से ऋषि कपूर। यह भूमिका शशि कपूर के पास चली गई और 1980 के दशक में 1978 के बाद खन्ना ने जैसे फिल्मों में अभिनय किया, जैसे अमरदीप, फिर वही रात, बंदिश, थोड़ी सी बेवफाई, दर्द, कुदरत, धनवान, अशांति, अवतार, अगर तुम न होते, सौतन, जवार, आशा ज्योति, आवाज, नया कदम, हम दोनों, बाबू, आज का विधायक, राम अवतार, शत्रु, इंसाफ मैं करूंगा, अनोखा रिश्ता, नजराना, अंगारे, अधिकार, अमृत, आवाम और रुपये 10 करोड़। निर्देशक भारती राजन ने अपनी 1978 की तमिल बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म का हिंदी रीमेक बनाने का फैसला किया, जिसमें खन्ना एक मनोरोगी की भूमिका में थे। तमिल में वही भूमिका निभाने वाले कमल हसन ने अपने चित्रण के लिए दक्षिण फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, लेकिन हिंदी फिल्म रेड रोज को पारिवारिक और रूढ़िवादी हिंदी फिल्म निर्माताओं द्वारा विवाद के रूप में देखा गया था और यह व्यावसायिक सफलता नहीं थी। टीना मुनीम और राजेश खन्ना का एक पर है इस तरह के रूप में फिल्मों के साथ 80 के दशक की स्क्रीन जोड़ी बन हो गया। 50-50, सौतन, सुराग, आखिर क्यों, बेवफाई, इंसाफ मैं करूंगा, अलग अलग और अधिकार, राम अवतार, अग्निहोत्री ने लिखा है कि टीना मुनीम ने खन्ना के साथ अलग अलग और अधिकार दोनों फिल्मों में समर्पित अभिनेत्री की पहली चिंगारी दिखाई। शबाना आजमी, समीता पटेल, पद्मश्री कोल्हापुरी के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी और पूनम ढिल्लो भी 80 के दशक में लोकप्रिय थी। उन्होंने 1981 में मराठी हिट फिल्म सुंदरा सत्ताकर में भी अभिनय किया। कमल हसन खन्ना के करीबी दोस्त थे। खन्ना ने मूल रूप से कमल अभिनीत 3 तमिल फिल्मों की हिंदी रीमेक में अभिनय किया और कमल ने खन्ना की फिल्म के 2 रीमेक में अभिनय किया। कमल ने एक हस्ताक्षर में दोस्त किया कि यह बताते के लिए कि उन्होंने 1985 में एक घटना में खन्ना के स्टारडम का अनुभव कैसे किया। वह स्टार बनने के बाद से शायद किसी सार्वजनिक थिएटर में नहीं गए थे। जब हम पहुंचे तो चीजें ठीक थी। उन्होंने औसत दर्जे की फिल्म का आनंद लिया पूरी तरह से और अंत खिताब तक जुड़ने से इनकार कर दिया। तभी मैं घबरा गया। ये थे सुभाष जी के सितारे राजेश खन्ना। अगर दर्शकों को पता चला कि वे मौजूद है तो मेरे हाथों पर भगदड़ और खून हो जाएगा, लेकिन श्री खन्ना ने सुनने से इनकार कर दिया। वह अंत तक रहा। शो के बाद अप्रिय हुआ, सभी नरक रिले हो गए, क्योंकि दर्शकों को एहसास हुआ कि वे वहाँ थे। भीड़ से गुजरते हुए मैं राजेश खन्ना का अंगरक्ष और सुरक्षा अधिकारी बन गया। उसकी कमीज फटी हुई थी, लेकिन मैं खूब मजे ले रहा था। वह एक बच्चे की तरह हंसा और हंसा। खन्ना ने राजपूत, धर्म और कानून, पापी पेट का सवाल है, जमाना, दिलिया, नादान और घर का चिराग सहित सफल मल्टी स्टार फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने जितेंद्र के साथ 3 फिल्में की, धर्मकांटा, निशान और मकसद। 1984 में बॉक्स ऑफिस परिणामों के मामलों में मकसद दूसरी सर्वोच्च रैंक करने वाली फिल्म थी। उसने 8.5 करोड़ की कमाई की।
मैं आज का विधायक राम अवतार खन्ना की एक वर्ष रचयिता की भूमिका निभाई। दर्शकों ने फिल्म में एक रोल की तारीफ की। 1985 में उन्होंने अलग अलग का निर्माण किया। गॉर्जियन के अनुसार वर्ष 1985 में एंकर प्रमुख नायक के रूप में उनकी 11 रिलीज हुई थी और उनमें से 8 हिट रही। 1985 में फाई उसमें खन्ना मुख्य नायक थे और पहली बात एक नकारात्मक भूमिका में थे। रिलीज हुई और सफल रही और उसी वर्ष बॉक्स ऑफिस पर 11.95 करोड़ रुपए की कमाई की। राजनीति में आने से पहले मुख्य नायक के रूप में उनकी आखिरी फिल्मों में से एक थी स्वर्ग, जो 1990 में रिलीज हुई थी। डेविड धवन स्वर्ग की को अपना पसंदीदा निर्देशक मानते हैं। 1991 में उन्होंने फिल्मों में अभिनय किया घर परिवार, रुपये 10 करोड़ और बेगुनाह मुख्य नायक के रूप में। वह विभिन्न शैलियों में एक फिल्म में काम किया। बाबू में एक रिक्शा खींचने के रूप में, थ्रिलर लाल गुलाब एक मनोरोगी में राजनीतिक रोमांचक के रूप में, आवाम कल्पना में बुंदाल बात और जानवर अपराध में फिर वही रात और मेरे हिस्से का चक्रव्यूह और इत्तेफाक कॉमेडी में जोरू का गुलाम, बावर्ची, हम दोनों और मास्टर जी में कार्रवाई, शांति और जमाना और पारिवारिक ड्रामा में विभिन्न मुद्दों का संबोधित आंचल, अमृत और अगर तुम ना होते और सामाजिक सरोकारों में के मुद्दों को संबोधित करने वाली फिल्में अवतार, नया कदम और आखिर क्यों। उन्होंने कुदरत में पूर्ण जन्म, मालिक में आध्यात्मिकता और अनोखा रिश्ता, नजराना और दिल ए नादान में प्यार में पढ़ने के दौरान अपहृत विश्व की फिल्में की। उन्होंने मुख्य नायक के रूप में कई तरह के किरदार निभाई। पलकों की चाहों में एक डाकिया, एक वकील जो साबित करता है कि उसने वरिष्ठ ने 25 साल पहले कुदरत में एक राजनेता के साथ, आज का विधायक राम अवतार एक युवा संगीतकार भाग्य की मजबूर में दो महिलाओं से शादी करने के आशय, ज्योति में एक पेशेवर वकील, आवाज में एक मचुहारे, प्रेम बंधन ए में एक देशभक्त, प्रेम कहानी में एक देशभक्त, प्रेम कहानी एक धर्मी, एक रोशन बंधन और एक मुस्लिम है जो प्यार में पड़ जाता है महबूब की मेहंदी में एक व्यवसाय की बेटी के साथ। उनके और उनके पूर्ववर्ती उत्तराधिकारी को समारिनो के बीच मुख्य अंतर यह था कि खन्ना की फिल्म में नकल हिंदी भाषा क्षेत्रों में पूरे भारत में सफलतापूर्वक चलती थी और उन्होंने हर शैली की फिल्में एक साथ और अन्य सभी हिंदी अभिनेताओं की तुलना में समीक्षा द्वारा प्रशंसित फिल्मों के अनेक रेटिंग में उन्हें अधिक श्रेय दिया गया। हर पीढ़ी का खन्ना उन कुछ अभिनेताओं में से थे जो विभिन्न प्रकार के सिनेमा के बीच संतुलन बनाने में सक्षम थे और अपने शिल्प की प्रदर्शित करने के लिए दोनों प्रकार के दर्शकों, जनता और वर्गों के बीच लोकप्रिय बने रहे। उन्होंने आर डी बर्मन और किशोर कुमार के साथ घनिष्ठ बंध साझा किए। तीनों दोस्त थे। 32 फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। किशोर कुमार ने अपने पुनरुत्थान का श्रेय राजेश खन्ना को भी दिया, जिसका अधिक से उन्होंने अलग अलग के लिए गाया। राजेश खन्ना द्वारा निर्मित पहली फिल्म बनी कुछ चार्ज के 1985 में पंचम। ये कुछ फिल्मों की सफलता के बाद खुद को दरकिनारा पाया, लेकिन राजेश खन्ना उन कुछ लोगों में से थे जो उनके साथ खड़े रहे। शिव की मौत के बाद राजेश और पंचम ने साथ काम किया। जय शिवशंकर, अनरिलीज फिल्म, पुलिस के पीछे पुलिस और सौतेला भाई। खन्ना ने किशोर द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म ममता की छाव को पूरा करने में लीना गंगुली और अमित कुमार की भी मदद की, जिनकी फिल्म ने पूरा होने से पहले ही मृत्यु हो गई थी। आर डी बर्मन ने एक शब्द में मदद किया कि मैंने हमेशा काका के सर्वश्रेष्ठ संगीत की गुणें अर्षित की हैं और मैं इसके लिए दोषी महसूस करता क्योंकि वे इसके हकदार थे। हालांकि अमिताभ बच्चन एक अच्छे अभिनेता थे, यह काका ही हूँ
होंगे जिन्होंने हमेशा याद किया जाएगा और अमर रहो। कि प्यारे लाल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी एक हस्ताक्षर में कहा कि राजेश खन्ना हमारे लिए भाग्यशाली था और हम भी उसके लिए भाग्यशाली थे। मैं उत्कृष्ट है 1967 फिल्म में क्या रास्ते 1986 फिल्म के लिए अमृत है। हम फिट एक साथ दोनों फिल्मों के रूप में और संगीत स्कोर के रूप में दे दी है। जब हम 1984 में अपने पहले विदेशी संगीत कार्यक्रम के दौरे पर गए तो उन्होंने आकर 3 गीतों पर नृत्य किया। मैं अपने संगीत के बारे में खास तौर अगर मैं एक गीत का नहीं कर सकी तो एक टेप घर ले जाएंगे, फिर वह अपना दे देंगे और या 2 दिन के बाद प्रतिक्रिया। लेकिन अगर उन्हें बैठने पर कोई गाना पसंद आता तो जोर से चिल्लाते वाह वाह प्रशंसा में यह भगवान का आशीर्वाद था कि हम उनके हिट गानों की थे श्रृंखला लेकर आए जिसमें से उन्हें होम प्रोडक्शन रोटी और सच्चा झूठे जैसी फिल्में शामिल हैं। चक्रव्यूह 50-50 हमदीप बंदिश आशा ज्योति और अनुरोध संयोग से महबूब की मेहंदी में भी उनकी हिस्सेदारी थी। उन्होंने संगीत में बहुत रुचि थी और जबरदस्त समझ थी। उनके संगीत में पंचम को बोलबाला और हम और हमने शक्ति समान के अनुरोध को केवल इसलिए स्वीकार किया क्योंकि राजेश खन्ना को तब पंचम के साथ कुछ गलतफहमी हो गई थी और वह उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। खन्ना हमेशा संगीत निर्देशकों से अनुरोध करते थे कि जहाँ भी संभव हो किशोर कुमार में फिट हो जाए। वास्तव में किशोर दुश्मन में वादा तेरा वादा गाने के लिए बहुत इच्छुक थे और उन्होंने लक्ष्मीकांत प्रियलाल को इसे रफी द्वारा गाया जाने का सुझाव दिया। फिर लक्ष्मीकांत ने किशोर को राजेश खन्ना से मिलवाया और खन्ना ने लक्ष्मीकांत पर आंखें मूंद ली और किशोर से कहा कि ऐसे में गाना बंद कर देना चाहिए। यह सुनते ही किशोर तुरंत खन्ना के लिए ऐसा अकेले गाने के लिए तैयार हो गए थे। उनके अधिकांश फिल्मों के कलाकारों में अशोक कुमार, सुजीत कुमार, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी, असरानी, बिंदु, विजय अरोड़ा, रुपेश कुमार, दीना पाठक और एके हगल शामिल हैं जो उनकी वर्किंग टीम का हिस्सा बने रहे। शुरुआत में 80 के दशक के अंत तक जिस गीतकार को उन्होंने अपनी फिल्म के लिए पसंद किया वह आनंद बख्शी थी। मुख्य भूमिका में खन्ना के साथ शक्ति सावंत की फिल्में पंचम द्वारा संगीत और आनंद बख्शी के गीतकारों को झूम रहा था। 80 के दशक में खन्ना ने बिना सावंत निर्देशक फिल्में बेकार थी। फिल्म उद्योग के उनके अन्य करीबी दोस्तों में राज बाबर, जे ओम प्रकाश, प्रेम चोपड़ा और डी रामा नायडू और जितेंद्र शामिल हैं। 2000 के बाद दौर की मशहूर हस्तियों जैसे मधुर भंडारकर का कहना है कि वे उस समय कार्टर रोड में कम से कम 3 या 4 मोड़ लेते हैं बस खन्ना को देखने के लिए। इमरान खान जैसे युवा पीढ़ी के सितारे अभी भी राजेश खन्ना को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में मानते हैं जो शीर्ष स्थान पर अब तक का सबसे रोमांटिक नायक होगा। शाहरुख खान राजेश खन्ना को अपना आदर्श मानते हैं और अपनी राय रखते हैं। राजेश खन्ना आप छू नहीं सकते, अनुपम खेर ने कहा। किशोर कुमार, संजीव कुमार, एसडी बर्मन, आरडी बर्मन, राजेश खन्ना और स्मिता पाटिल ने भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल दिया। उन्हें उन फिल्मों से याद किया जाता है जो उन्होंने की थी। अभिनेता टॉप आल्टर कबूल किया, मैं अभी भी राजेश खन्ना बनने का सपना देखता हूँ। मेरे लिए 1970 के दशक की शुरुआत में वह एकमात्र नायक था। मूल रूप से रोमांटिक जीवन से बड़ा नहीं, इसलिए भारतीय और वास्तविक वह मेरे नायक थे। मेरी फिल्मों में आने का कारण और वह अभी भी है। अभिनेता इरफान खान ने एक साक्षात्कार में कहा, राजेश खन्ना ने जिस तरह की दीवानगी देखी है उसकी नकल किसी ने नहीं की है। वह बॉलीवुड के सबसे बड़े और सबसे वास्तविक स्टार थे। मैं कहता हूं कि स्टारडम होने का एहसास है आपकी मूर्ति के पास। आप उत्साह से इतने अनुभूत हैं कि आप वास्तविकता से संपर्क खो देते हैं।
शर्ट पर गुरु कुर्ता और बेल्ट पहनने का चलन 70 और 80 के दशक में खन्ना के कारण सिद्ध हुआ। जावेद अख्तर एक साक्षात्कार में खन्ना के स्टारडम्स के साथ अपने अनुभव के बारे में बताया। बेंगलोर में एक राज्य लॉटरी हुआ करती थी और सरकार ने उसे भाग्यशाली शंकर निकालने के लिए कहा। उन्होंने इसे एक स्टेडियम में आयोजित किया। मैं उनके साथ था क्योंकि हम कुछ स्क्रिप्ट पर चर्चा कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मैं इसे फिर से अनुभव करूंगा। 5,000 लोगों की हांफने की आवाज, अब जब उन्होंने उसे देखा वह सीजर की तरह था। यह अविश्वसनीय था। अभिनेता सलमान खान ने कई साक्षात्कारों में बताया कि उन्होंने या आमिर या शाहरुख खान ने अभिनय या अपने स्टारडम क्षेत्र में खन्ना की 10% उपलब्धियां हासिल नहीं की है। 1991 से 1996 तक कांग्रेस सांसद के रूप में सेवा करते हुए उन्होंने खुदाई 1994 में मुख्य भूमिका निभाते हुए अभिनय में वापसी की, जो एक पिता और पुत्र के एक ही महिला के प्यार में पड़ने के बारे में थी। 1992 के बाद उन्होंने केवल 10 फिल्मों में काम किया और अधिकांश फिल्मों में प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। वह एक रूप में वापसी एनआरआई में अब लौट चले 1999 और क्या दिल ने कहा 2002 और फिल्मों में एकल मुख्य भूमिका, सौतेला भाई 1996 में, प्यारा जिंदगी है 2001 में, काश मेरे होते 2009 में, वफा 2008 में और 2010 में रियासत। उन्होंने 2002 से 2009 तक की अवधि में 4 टेलीविजन धारावाहिक किए। वह 1992 में आपकी अदालत शो में एक दुर्लभ साक्षात्कार में दिखाई दिए, जहां उन्होंने साक्षात्कारकर्ता रजत शर्मा को उद्गत किया, मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि क्या मैं अहंकारी हूँ? इन सभी निर्माताओं ने मेरे साथ इतनी सारी फिल्में कैसे बनाई? मेरे प्रशंसक जो बदल गए, अगर मैं अहंकारी होता तो यह अभिनेता एक सुपरस्टार के रूप में मुझे कभी स्वीकार नहीं करता। अगर मैं अहंकारी होता तो लोग मुझे लोकसभा सदस्य नहीं बनाते, क्योंकि अगर कोई अहंकारी है तो वह अहंकार दिखाई देता है और यह जनता सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है। खन्ना इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन रिसर्च सेंटर, इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन क्लब और एसोसिएशन कमेटी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के आजीवन सदस्य रहे। वह एशियन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज में विशेष सिनेमा पाठ्यक्रम के संकाय अतिथि थे। 10 अप्रैल 1999 खन्ना का लाइव कास्टर का उद्घाटन किया मेहजीत लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में आरडी बर्मन। 2001 और 2002 में राजेश खन्ना ने 2 टेलीविजन धारावाहिकों अपने पराए बिफोर यू और डीडी मेट्रो और इत्तेफाक जी टीवी में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने बिना भुगतान के टैगोर के गीत रविंद्र संगीत पर आधारित एक वीडियो एल्बम में प्रदर्शन किया। उन्होंने 2007 में स्टार से सुपरस्टार तक एक प्रतिभा खोज कार्यक्रम का भी समर्थन किया और 1 करोड़ रुपए की गोल्ड ट्रॉफी दान की। 14-15 मार्च 2008 को अपने सिल्वर जुबली एपिसोड में किशोर के लिए ने राजेश खन्ना का विशेष प्रसारण किया। उन्होंने 2007 में क्रिएटिव आई बैनर धीरज कुमार के साथ एक टीवी धारावाहिक में अभिनय करने के लिए साइन किया और 2008 में लीना गांगुली के साथ एक टीवी धारावाहिक भीमा भाभीमा में उनकी सहकलाकार के रूप में अभिनय किया। उनका सफल टीवी धारावाहिक रघुकुल रीत सदा चली आई नवंबर 2008 में शुरू हुआ और सितंबर 2009 में समाप्त हुआ। खन्ना ने फिल्मों में उनके जैसे अभिनेताओं के लिए अच्छी भूमिका की कमी को 2001 के बाद फिल्मों में ज़्यादा दिखाई नहीं देने के कारण बताया। उन्होंने टीवी धारावाहिक करने के लिए अपने निर्णय के बारे में पूछे जाने पर एक साक्षात्कार में कहा, टीवी की पहुंच बहुत अधिक है आज सिनेमा से ज़्यादा, और मैंने सीरियल के एक एपिसोड और सुपरहिट फिल्म से ज़्यादा लोगों द्वारा देखे जाने की संभावना है। 2009 में अपने 67वें जन्मदिन पर शेरमाओ एंटरटेनमेंट ने उनकी फिल्म और एक गीत संग्रह जारी किया जिसका शीर्षक था स्क्रीन लेजेंड राजेश खन्ना द लरियानापियम।
ओरिजिनल सुपरस्टार मई 2012 में प्रशंसक बनाने वाली कंपनी हेवेंस ने खन्ना को अपने नए विज्ञापन अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में समर्थन दिया, जिसमें उन्हें एकल विज्ञापनों में दिखाया गया था। राजनीतिक और वैश्विक कैरियर। राजीव गांधी के आग्रह पर उन्होंने 1984 के बाद कांग्रेस के लिए प्रचार करना शुरू किया। 1991 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट के चुनाव में खन्ना लाल कृष्ण आडवाणी से 1579 मतों के मामूली अंतर से हार गए, जिसके बाद खन्ना खड़े हो गए। मतगणना केंद्र के मैदानों में ने जोर देकर कहा कि उन्हें जीत के लिए धोखा दिया गया। 1992 में मौजूदा सांसद लाल कृष्ण आडवाणी के इस्तीफा के बाद उपचुनाव बुलाया गया। खन्ना ने फिर से सीट से चुनाव लड़ा। शत्रुघ्न सिन्हा को 2500 मतों से हराकर उपचुनाव जीता। राजेश खन्ना के लिए सांसद सदस्य ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से जहाँ उन्होंने 1992 का उपचुनाव जीता, 1996 तक अपनी सीट बरकरार रखी, जिसके बाद उन्हें सक्रिय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब सांसद खन्ना सांसद थे, उन्होंने नए अभिनय कार्यों को स्वीकार नहीं किया, बल्कि केवल फिल्म खुदाई 1994 में अभिनय किया। संसद छोड़ने के बाद वह कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे और 2012 के पंजाब चुनाव तक पार्टी के लिए प्रचार किया। खन्ना और विदेशी निवेशकों के एक समूह में सीढ़ी में जमीन खरीदी, जिसमें सीढ़ी के साई बाबा के शिष्यों के लिए एक धार्मिक स्थल बनाया गया। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में खन्ना को तत्कालीन फैशन डिजाइनर और अभिनेत्री अंजू महेंद्री से प्यार हो गया। वे 7 साल से रिलेशनशिप में थे। खन्ना ने अचानक स्टारडम और महेंद्री के अभिनय कैरियर को छोड़ने के आग्रह के अंत उनके रिश्ते को समाप्त कर दिया। महेंद्रू कहते हैं कि दोनों ने ब्रेकअप के बाद 17 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की। बाद में खन्ना ने मार्च 1973 में नवोदित अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया से शादी की। इसके पहले कपाड़िया की पहली फिल्म बॉबी उस साल सितंबर में रिलीज हुई थी। खन्ना और कपाड़िया की शादी से 2 बेटियां ट्विंकल और रिंकी। 1982 में खन्ना और कपाड़िया अलग हो गए, लेकिन तलाक की कार्रवाई कभी पूरी नहीं की। यासिर उस्मान की खन्ना की जीवनी के अनुसार युगल अलग हो गए क्योंकि कपाड़िया अभिनय में वापस आना चाहते थे। खन्ना से शादी करने के बाद उन्होंने अभिनय छोड़ दिया था क्योंकि बाद में खन्ना चाहते थे कि उनका साथी एक गृहिणी बने। अपनी शादी के कुछ साल बाद कपाड़िया ने अपना कैरियर फिर से शुरू करने का फैसला किया। हालांकि खन्ना इस पर अड़े रहे कि उनकी पत्नी काम नहीं करेगी। कपाड़िया ने अंततः खन्ना को छोड़ दिया और फिल्मों में अपना कैरियर शुरू किया। 1980 के दशक में टी नामुनीम को राजेश खन्ना से प्यार हो गया। अमुनीम अपने स्कूल के दिनों से ही राजेश खन्ना की फैन रही है। वे 1981 और 1986 के बीच एक साथ 10 फिल्मों में दिखाई दिए। वेबसाइट बॉलीवुड मंत्र रिपोर्टर के अनुसार खन्ना ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी शादी से उनकी 2 बेटियों पर बुरा असर पड़ेगा। खन्ना और कपाड़िया ने हालांकि एक सौ धैर्यपूर्ण संबंध बनाए रखा, जहां वे दोनों पार्टी और पारिवारिक समारोह में एक साथ देखे गए। कपाड़िया ने खन्ना के चुनाव के लिए भी प्रचार किया और उनकी फिल्म जैसे शंकर 1990 में काम किया। हालांकि यह फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। टीना मुनीम के बाहर निकलने के बाद खन्ना ने अंजू महेंद्रू के साथ अपनी दोस्ती फिर से शुरू की। खन्ना की बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना एक इंजीनियर डेकोरेटर और एक पूर्व अभिनेत्री की शादी अभिनेता अक्षय कुमार से हुई है, जबकि उनकी छोटी बेटी रिंकी खन्ना जो एक पूर्व हिंदी फिल्म अभिनेत्री है की शादी लंदन के एक निवेश बैंकर समीर सरन से हुई है। 17 जुलाई 2012 को अनीता आडवाणी नाम की एक महिला ने दावा किया कि वह खन्ना की लिव इन पार्टनर थी और मुआवजे के लिए उसके परिवार के सदस्यों को कानूनी नोटिस भेजा। परिवार ने दावों को खंडन किया। उद्योग से उनके सबसे करीबी दोस्तों में राज कपूर, मुमताज, शशि कपूर, संजीव कपूर, किशोर कुमार, आर डी बर्मन, आनंद
बख्शी शर्मिला टैगोर, डी रमा नायडू, प्रेम चोपड़ा, मनोज कुमार, अशोक कुमार और जितेंद्र शामिल थे। उन्होंने आशा पारेख, जीनत अमान, देव आनंद, दिलीप कुमार, यश चोपड़ा, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी के साथ भी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। ऋषि कपूर और राकेश रोशन अपने बाद के वर्षों में वह अमिताभ बच्चन के साथ मित्रवत हो गए, जिन्हें 1970 और 80 के दशक में उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में बिल किया गया था। जून 2012 में खबर आई कि राजेश खन्ना की तबीयत कुछ समय से खराब चल रही है। 30 जून को स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें 8 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह ठीक थे। 14 जुलाई को खन्ना को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 16 जुलाई को उन्हें छुट्टी दे दी गई। उनका निधन 18 जुलाई 2012 को उनके बंगले आशीर्वाद मुंबई में हुआ। सूत्रों के ने पुष्टि की कि जुलाई 2011 से उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, क्योंकि उन्हें कैंसर का पता चला था। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें सह कलाकार मुमताज ने कहा कि वह पिछले वर्ष की अवधि के लिए कैंसर से पीड़ित थे और कीमोथेरेपी सत्र से गुजरे थे। उनका अंतिम संस्कार 19 जुलाई को 11 बजे हुआ। उनके अंतिम संस्कार में 9 लाख लोग शामिल थे और उनके प्रशंसक सूरत, अहमदाबाद जैसी जगहों से आए थे और यहाँ तक कि विदेशों से भी। उनके बांद्रा स्थित घर से शमशान घाट तक जुलूस के लिए जमा हुए प्रशंसकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा। उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया, बेटी रिंकी खन्ना और टिंकिल खन्ना, दामाद अक्षय कुमार, पोते अंजू महेंद्रू और अन्य करीबी रिश्तेदारों की उपस्थिति में उनकी मृत्यु हो गई। अक्षय कुमार की सहायता से उनके पोते आरव ने उनकी चिता को जलाया। अमिताभ बच्चन उद्धृत किया कि राजेश खन्ना के अंतिम शब्द थे, टाइम इज अप, पैक अप। अपने परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के लिए अपने विशेष पूर्व रिकॉर्डेड संदेश में, जो उनके चौथा पर खेला गया था, उन्होंने अपने दोस्तों और प्रशंसकों को उस प्यार के लिए धन्यवाद दिया और उसे सलाम किया, कि यह भी साझा किया कि कैसे वह अपने पीछे कोई गॉडफादर न रखते हुए एक सफल अभिनेता बन गए। 25 जुलाई 2012 उनकी राख में डूबे डूबे गंगा में ऋषिकेश उत्तराखंड उसकी पत्नी द्वारा डिंपल कपाड़े और बेटी रिंकी खन्ना। प्रभाव और विरासत। भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल अभिनेता के निधन पर खेद व्यक्त किया। एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा, मैं राजेश खन्ना के निधन से के बारे में जानकर बहुत दुखी हूँ। एक अभिनेता के रूप में वह 1970 के दशक की युवा पीढ़ी के दिल की धड़कन थे, जिन्होंने खुद को और उनकी शैली पर मॉडल बनने की कोशिश की। कई हस्तियों ने भी उनके निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी प्रार्थना सभा पर एक भव्य तरीके से आयोजित किया गया, ताजभूमि की समाप्ति होटल में बांद्रा, मुंबई, 21 जुलाई 2012 को कई ने भाग लिया। उनकी मृत्यु के बाद उनके घर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले अन्य हस्तियों में मनोज कुमार, आशा पारेख, रंजीत, जितेंद्र, राकेश रोशन, यश चोपड़ा, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, शबाना आजमी, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, असरानी, प्रेम चोपड़ा, गोविंदा शामिल थे। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, हिमेश रेशमिया, राम कपूर, महेश ठाकुर, आदेश श्रीवास्तव और साजिद उनकी प्रार्थना सभा पर एक भव्य तरीके से आयोजित किया, ताजभूमि की समाप्ति होटल में बांद्रा, मुंबई, 21 जुलाई 2012 को, सहित कई ने भाग लिया। रीना रॉय, पद्मनी कोल्हापुरी, नीलम जयप्रदा, अमर सिंह, बिंदु, पूनम ढिल्लो, नीतू कपूर, जया बच्चन, आमिर खान, किरण राव, रणवीर कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, शक्ति कपूर, शशि कपूर, सुरेश ओबरॉय, परमेश्वर गोदरेज, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और जैकी श्रॉफ। शाहरुख खान ने यह कहते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की, इरादे के साथ जीने और किनारे पर चलने के लिए त्याग के साथ खेले, बिना किसी अफसोस के चुने
मुस्कुराओ और हमें भी ऐसा ऐसा ही किया। सर, आपने हमारे युग को परिभाषित किया। अभी भी जीवन कठिन महसूस हुआ तो आपने हमें महसूस किया। प्यार सब यह सब कैसे बदल सकता है। आरआईपी मुमताज ने यह भी कहा कि उसके पास उनके साथ काम करने की यादें थी और उन्होंने कहा कि वह पूरी सुबह रोती रही लेकिन खुश थी कि वह जून 2012 में मुंबई में बीमार राजेश खन्ना से मिली, जब दोनों ने कैंसर से अपनी अपनी लड़ाई पर चर्चा की। जबकि शाहिद कपूर ने उद्धृत किया, रोमांस के पहले राजा को आरआईपी राजेश खन्ना। सुभाष घई ने कहा कि खन्ना हिंदी फिल्म उद्योगों के पावर हाउस थे। मैं उसे उनके सेट पर मिला था। आराधना, उनमें किसी प्रकार की ऊर्जा थी और जब वे आपके आसपास होते तो आप पर चार्ज लगेगा। उनका नाम सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। अमिताभ बच्चन को यह कहते हुए उद्घात किया था कि सुपरस्टार शब्द का आविष्कार उनके लिए किया गया था और मेरे लिए यह हमेशा उनका रहेगा और कोई नहीं। उनकी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां कभी भी उनकी घटनाओं का वर्णन या समझ नहीं पाएगी। उनके दामाद अक्षय कुमार ने उनकी मृत्यु के बारे में संवाददाताओं से कहा और कहा कि वह एक के पास गए। अच्छा और स्वर्गीय स्थान, मुझे खुशी है कि वह वहां गए हैं और उम्मीद है कि हर कोई उनके लिए प्रार्थना करेगा। कुमार ने फेसबुक पर भी कहा पोस्ट कि श्री राजेश खन्ना के लिए वे आपके जैसे बहुत कम बनाते हैं। आप एक पिता, एक कृतवंती और एक बहुत ही कीमती व्यक्ति है जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। वैजंती माला ने टिप्पणी की कि उनकी मृत्यु उद्योग के लिए एक बड़ी क्षति है। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला क्योंकि वह बहुत बाद में आए थे। मुझे याद है जब वह किसी फिल्म की शूटिंग के लिए चेन्नई आए। कॉलेज जब वह अपने स्टूडियो जा रहे थे तो लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए पागल हो गई। मन्ना डे ने कहा, वह एक महान अभिनेता थे, वास्तव में एक सुपरस्टार। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं उनके लिए प्लेबैक करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैंने उनके लिए कई फिल्मों में काम किया और उनके जैसे अभिनेता दुर्लभ है। मरनाल सेन ने याद किया कि कैसे खन्ना उनके अपनी एक फिल्म में कास्ट करना चाहते थे लेकिन बाद में डेट की समस्याओं के कारण वह काम नहीं कर सके। हम कई बार मिले थे। एक बार मैं उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट करना चाहता था लेकिन किसी तरह उनकी डेट की समस्या के कारण बात नहीं बनी। बुद्ध देवदास गुप्ता ने कहा कि खन्ना का अभिनय भविष्य में भी युवा अभिनेताओं को प्रेरित करता रहेगा। वह एक महान अभिनेता थे और पहले सुपरस्टार थे। वह अमिताभ बच्चन से बहुत बड़े स्टार थे। उनका अभिनय आने वाली पीढ़ियों के युवा अभिनेताओं को प्रेरित करता रहेगा। ऋतुपर्ण घोष ने कहा, फिल्म आनंद में उन्होंने भारतीय सिनेमा के कुछ सबसे यादगार संवाद दिए। राजेश खन्ना द्वारा अमिताभ बच्चन के लिए बाबू मोशाई शब्द का इस्तेमाल, जिन्होंने फिल्म में एक बंगाली डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। भारतीयों के मन में इतनी गहराई से बसा हुआ है कि बाकी स्वदेशियों के लिए यह लगभग बंगालियों का पर्याप्त बन गया। धोती और कुर्ते में बंगाल था। मधुर भंडारकर ने कहा, सुपरस्टार का प्रतीक अब हमारे बीच नहीं रहा। काका जी कोई नहीं था, कोई नहीं नहीं है और आपके जैसा कोई नहीं होगा। फिल्म इतिहासकार SMS ओसजा ने कहा, उन्होंने कभी बंगाली सिनेमा में अभिनय नहीं किया लेकिन 1960 के दशक के अंत से लेकर 70 के दशक तक वे शीर्ष स्टार थे और अपने युग के शीर्ष निर्देशकों के साथ काम किया, जिनमें से अधिकांश बंगाली थे। गली तिवारी, जहां उनका पुश्तैनी घर था, वहां से भी प्रतिक्रियाएं आई थी और जब से उनके दान के माध्यम से एक मंदिर में परिवर्तन कर दिया गया था। उनकी मृत्यु की खबर मिलते ही उनकी फिल्मों के गाने बजाए गए। उनके पालक भाई मुनीचंद खन्ना ने कहा कि
जब वे यहाँ रहते थे तो उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद था। वह एक साधारण लड़का था। जब वह यहाँ रहता था और इतना कुछ हासिल करने के बाद भी एक साधारण जीवन व्यतीत करता रहा, जैसे कि ब्यौरे वाला पाकिस्तान के निवासी थे। इसके अतिरिक्त राजनीतिक स्पेक्ट्रम ने भीतर जिन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की, उनमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शामिल थे, जिन्होंने कहा कि वह शोक ग्रस्त परिवार के सदस्यों और श्री राजेश खन्ना के अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी दुख जताया। अपनी संवेदना व्यक्त करने वाले क्षेत्रीय राजनीतिक नेताओं में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल थी, जिन्होंने कहा, राजेश खन्ना हमेशा रोमांस के प्रतीक थे। उनके मुस्कुराते हुए चेहरे और लोगों से आसानी से जुड़ने की क्षमता ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया था। हमने एक बड़े सितारे को खो दिया। आज फिल्मी दुनिया में पोल स्टार साथी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने कहा कि उनके निधन से हिंदी सिनेमा को अपूर्णीय क्षति हुई है। पाकिस्तान भी शोक संवेदनाएं आई, जहाँ प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ ने खन्ना को एक महान अभिनेता कहा, जिनका फिल्म और कला के क्षेत्र में योगदान लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उनके एक बड़े प्रशंसक थे और अपने उत्कृष्ट अभिनय कौशल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। अली जफर ने ट्विटर पर लिखा, राजेश खन्ना RIP। उनकी फिल्में और गीतों से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जबकि सैयद नूर ने कहा, राजेश खन्ना उपमहाद्वीप के इतने बड़े अभिनेता थे कि उन्हें लोगों द्वारा कई लोगों के लिए याद किया जाएगा। आने वाले वर्षों में जिस युग में उन्होंने शासन किया, वह इस उपमहाद्वीप के किसी अन्य अभिनेता द्वारा अनुभव किए जाने की संभावना नहीं। जियो टीवी ने अभिनेताओं के योगदान के साथ लगभग 1 घंटे की श्रद्धांजलि प्रसारित की। खन्ना की विशेषता वाला एक डाक टिकट 3 मई 2013 को इंडिया पोस्ट द्वारा जारी किया गया था। उनकी पहली पुण्यतिथि पर बांद्रा बस स्टैंड मुंबई में राजेश खन्ना की एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था। गिरगांव में एक चौक चौराहे को उनकी याद में सुपरस्टार राजेश खन्ना चौक नाम दिया गया है। उनकी याद में लाला लाजपत नगर नई दिल्ली में एक पार्क का नाम बदलकर सुपरस्टार राजेश खन्ना पार्क कर दिया गया है। पुरस्कारों नामांकन। खन्ना ने 7 अखिल भारतीय क्रिटिक्स एसोसिएशन AICA सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीते और 10 नामांकन प्राप्त किए। उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड में 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीते और 25 नामांकन प्राप्त किए। उन्होंने 3 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीते। 1973 में एक फिल्म फेयर विशेष अतिथि अभिनेता पुरस्कार और हिंदी फिल्म उद्योग में 25 वर्षों के बाद 1991 में फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि प्राप्त फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 50वीं वर्षगांठ पर फिल्म फेयर पुरस्कार 2005 में समारोह। उन्होंने यह भी प्राप्त आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2009। अब करते हैं इनके पुरस्कारों की बात। फिल्मोग्राफी इनके फिल्मोग्राफी राजेश खन्ना ने 1960 के दशक से 1970 के दशक में बहुत सारी फिल्मों में अभिनय किया है। और इनके इन्होंने जो मरनो मरणोपरांत 2013 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अखिल भारतीय क्रिटिक्स एसोसिएशन AICA सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार 7 जीते, 10 नामांकन। बंगाल फिल्म पत्रकार संघ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार हिंदी 4 जीते, 25 नामांकन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार 3 जीते, 14 नामांकन। फिल्म फेयर विशेष अतिथि अभिनेता पुरस्कार 1 जीता, 1 नामांकन। फिल्म फेयर विशेष
पुरस्कार एक जीता एक नामांकन, विजेता लॉयंस क्लब एक जीता एक नामांकन, रूसी फिल्म समारोह एक जीता एक नामांकन, नागरिक पुरस्कार 2013, पद्भूषण मरणोपरांत, फिल्म फेयर पुरस्कार 1971, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए सच्चा झूठा जीत लिया, 1972 आनंद के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, 1973 अनुराग के लिए फिल्म फेयर विशेष अतिथि अभिनेता पुरस्कार, 1975 आविष्कार के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, 1991 भारतीय फिल्म उद्योग में 25 वर्ष पूरे करने के लिए फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, 2005 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्वर्ण जयंती समारोह मनोनीत, 1970 आराधना के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, 1970 इत्तेफाक के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, 1972 कटी पतंग के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, 1973 दुश्मन के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, 1973 अमर प्रेम के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, 1974 द गे पोम ऑफ लव के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार, 1975 प्रेम नगर के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, 1980 अमरदीप के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, 1981 थोड़ी सी बेवफाई के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार, 1982 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दर्द, 1984 अवतार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार, राजेश खन्ना ने 4 बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार अभिनेता जीते हैं, 1972 BFJ अवार्ड्स आनंद के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, 1973 BFJ अवार्ड्स बावर्ची के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, 1974 BFJ अवार्ड नमक हराम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, BFJ अवार्ड अमृत के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, स्टारडक्स पुरस्कार 2005 फिल्म उद्योग पुरस्कार का गौरव, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2009 आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता, तमिल सिने अवार्ड वर्ल्ड अवार्ड विजेता 2009 ऑल इंडिया फिल्म वर्कर्स एसोसिएशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव आई PIFF विजेता 2010 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बॉलीवुड मूवी अवार्ड 2004 किंगफिशर बॉलीवुड फैशन अवार्ड्स में लाइफ टाइम ऑफ ग्लैमर अवार्ड, 2004 USA में आयोजित बॉलीवुड अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जी सिने अवार्ड 2001 भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सुनसई अवार्ड विजेता 2001 में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित तीसरे सुनसई फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ऑल इंडिया क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड विजेता 1972 ऑल इंडिया क्रिटिक्स एसोसिएशन आनंद के लिए 1972 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, ऑल इंडिया क्रिटिक्स एसोसिएशन अमर प्रेम के लिए 1973 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, 1975 अखिल भारतीय क्रिटिक्स एसोसिएशन 1975 में अजनबी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, अखिल भारतीय क्रिटिक्स एसोसिएशन के लिए 1982 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कुदरत, ऑल इंडिया क्रिटिक्स अवार्ड 1984 में अवतार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, आज का विधायक राम अवतार के लिए कलकत्ता में 1985 में अखिल भारतीय क्रिटिक्स एसोसिएशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, 1987 अखिल भारतीय क्रिटिक्स एसोसिएशन अमृत के लिए 1987 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोनीत, 1976 में प्रेम कहानी के लिए 1976 में अखिल भारतीय क्रिटिक्स एसोसिएशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, ऑल इंडिया क्रिटिक्स एसोसिएशन 1979 में चक्रव्यूह के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, ऑल इंडिया क्रिटिक्स एसोसिएशन अमरदीप के लिए 1980 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड विजेता 2012 फिल्म में और टेलीविजन प्रोड्यूसर गिल्ड एसोसिएशन द्वारा भारतीय सिनेमा में प्रमुख योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड,
पुरस्कार जीता। 1982 विजेता लायंस क्लब नई दिल्ली दर्द के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार। 1994 विजेता रूसी फिल्म समारोह उज्बेकिस्तान खुदाई के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। 2003 महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज कपूर पुरस्कार 30 अप्रैल 2003 को प्रदान किया। 2006 युगांतर गौरव पुरस्कार। 2006 चंडीबाई हिम्मत बल मकम मनसुखानी कॉलेज द्वारा 4 फरवरी 2006 को गौरव दिवस समारोह के हिस्से के रूप में प्रदान किया गया। 2006 उत्कृष्ट केंद्र मौका त्रिनिदाद और टेबंगो में 10 जून को आयोजित 2006 के बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार। खन्ना आईवस लंदन द्वारा ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड के प्राप्तकर्ता थे। खन्ना को मदर टेरेसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजेश खन्ना ने भारत ज्योति राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। कला रत्न पुरस्कार 1995 विजेता कला रत्न पुरस्कार 1995 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह द्वारा राजेश खन्ना को नई दिल्ली में पंजाबी कला संग्राम संगम द्वारा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अब बात करते हैं इनके जो है उस फिल्मोग्राफी के, तो फिल्मोग्राफी 1985 अलग अलग शक्ति शामत इन फिल्मोग्राफी जो है शुरू होती है 1966 से आखिरी खत से गोविंद राज दोहरी भूमिका 1967 और सुरेश बारो के सपने 1968 श्रीमा मांझी स्वयं विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थित होना बंधन आराधना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकित शिव कामी कामियन सेल्वन के रूप में रिमेक 1969 इत्तेफाक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकित दो रास्ते डोली ट्रेन सच्चा झूठा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। 1970 मिलो सजना सफर खामोशी कटी पतंग सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकित गुड्डी वैश्व विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थित होना महबूब की मेहंदी उत्पादन में हितधारक 1971 आनंद आनंद वोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बी एफ जे पुरस्कार वो अखिल भारतीय क्रिटिक्स एसोसिएशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। अंदाज विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थित होना हाथी मेरे साथी छोटी बहू सीमा कैमरी मर्यादा दुश्मन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकित बदनाम फरिश्ते विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थित होना अमर प्रेम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित अखिल भारतीय क्रिटिक्स एसोसिएशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 1972 बावर्ची जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बीएफजे पुरस्कार। जोरू का गुलाम अनुराग विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थित होना शहजादा मेरे जीवन साथी मालिक दिल दौलत दुनिया अपना देश राजा रानी बंगारू बाबू तेलुगु फिल्म में विशेष उपस्थिति दाग प्यार की एक कविता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकित। 1973 नमक हराम वोन बी एफ जे पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बॉम्बे सुपरस्टार वैश्यम बीबीसी ने 1973 में मैन अलाइव सीरीज के हिस्से के रूप में राजेश खन्ना की स्क्रीनिंग पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई आपकी कसम मावजे माया का रिमेक प्रेम नगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 1975 फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित। 5 राइफल्स विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थित होना 1974 अजनबी आविष्कार वोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 1975 फिल्म फेयर पुरस्कार। रोटी सह निर्माता हम सकल बढ़ती का नामदी विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थित होना अकर्माणी विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थित। जीनत खान जिन्हें जीनत अमन के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेत्री और पूर्व फैशन मॉडल है। उन्हें पहली बार अपने मॉडलिंग के काम के लिए पहचान मिली और 19 साल की उम्र में सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लिया। 1970 में फेमिना मिस इंडिया पैकेज और मिस एशिया पैसिफिक
इंटरनेशनल पैकेज दोनों जीते। उन्होंने 1970 में अभिनय करना शुरू किया और उनकी शुरुआत कार्यों में द एविल विद इन 1970, हलचल 1971 फिल्में शामिल थी। जीनत अमन को सफलता मिली फिल्म हरे राम हरे कृष्णा 1971 से मिली, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का BFJ पुरस्कार जीता। उन्होंने अगली बार फिल्म यादों की बारात 1973 में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें और पहचान मिली। उनका जन्म 19 नवंबर 1951 को हुआ था मुंबई महाराष्ट्र बॉम्बे स्टेट भारत में। यह 70 वर्ष की उम्र की है। पेशा अभिनेत्री, नामो ना सक्रिय वर्ष 1970 से वर्तमान। शीर्षक फेमिना मिस इंडिया एशिया पैसिफिक 1970, मिस एशिया पैसिफिक 1970। जीवन साथी संजय खान मजहर खान। बच्चे दो। अमन ने 70 के दशक में रोटी कपड़ा और मकान 1974, अजनबी 1974, वारंट 1975, चोरी मेरा काम 1975, धर्म वीर 1977, छैला बाबू 1977 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ खुद को एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। हम किसे कम नहीं 1977 और द ग्रेट गैम्बलर 1979, 1978 की फिल्म सत्यम सिवा सुंदरा में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने डॉन 1978 में अभिनय किया, एक फिल्म जिसने डॉन फ्रेंचाइजी को जन्म दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में अब्दुल्ला में उनकी प्रमुख भूमिकाएं थी। 1980 अली बाबा और 40 चोर, 1980 कुर्बानी, 1980 दोस्ताना, 1980 और इंसाफ का तराजू 1980, जिसमें से अमन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए एक और नामांकन मिला। उन्हें 1980 के दशक में फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा। लावारिस 1981, महान 1983, पुकार 1983, जागीर 1984 फिल्मों में भूमिकाएं निभाई और तीसरी आंख 1982, हमसे हैं जैसी फिल्म में भूमिकाएं निभाई। जमाना 1983। 1985 में अभिनेता मजहर खान से अपनी शादी के बाद अमन फिल्मों में कम दिखाई देने लगी और 1989 में एक अंतराल लिया। उस अवधि के लिए उनकी आखिरी फिल्म गवाई 1989 थी। 1999 में अमन ने फिल्म भोपाल एक्सप्रेस में अभिनय करते हुए अभिनय में वापसी की। उन्होंने 2000 तक अभिनय जारी नहीं रखा फिल्म बूम में दिखाई दी जारी रखा फिल्म बूम में दिखाई दी और तब से कई स्वतंत्र फिल्मों में भूमिकाएं, जिसमें अगली और पगली 2008, डोंट नो वाई ना जाने क्यों 2010, चौराहे 2012 स्ट्रिंग शामिल हैं। अब फैशन 2014, पता नहीं वाई टू लाइफ इज ए मोमेंट 2015, दिल तो दीवाना है 2016 और सल्लू की शादी 2017। उन्होंने पानीपत 2019 में कैमरियो भी किया और अगली बार आगामी फिल्म मडगांव द क्लोज्ड फाइल TBA में एक अभिनीत भूमिका में दिखाई देंगी, जो 1980 के दशक के बाद उनकी पहली प्रमुख भूमिका है। अभिनय के अलावा अमन 2004 में मुंबई में द ग्रेजुएट नाटक में अभिनय करते हुए थिएटर में अपनी शुरुआत की और 2020 में यह घोषणा की गई कि वह कस्तूरबा गांधी पर आधारित एक नाटक में दिखाई देगी। उन्होंने 2017 की वेब सीरीज लव लाइफ एंड स्क्रू अप्स का भी नेतृत्व किया, जिसके लिए उनकी प्रशंसा की गई। उनके निजी जीवन और दुर्व्यवहार के अनुभवों को व्यापक मीडिया कवरेज मिला था। प्रारंभिक जीवन। जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1991 को बॉम्बे में जीनत खान के रूप में हुआ था। एक मुस्लिम पिता और एक मराठी भाषा भाषी हिंदू माँ के घर जन्मे अमन अभिनेता राजा मुराद
राजा मुराद के चचेरे भाई और अभिनेता मुराद की भतीजी है। उनके पिता अमुल्ला खान मुगले आजम और पाकीज़ा जैसी फिल्मों के लिए एक पटकथा लेखक थे और अक्सर अमन नाम के तहत लिखते थे, जिसे उन्होंने बाद में अपने स्क्रीन नाम के रूप में अपनाया। अमन के माता पिता का बचपन में ही तलाक हो गया था। 13 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। उसने अपनी स्कूल शिक्षा पंचगनी में ही और छात्र सहायता पर आगे पढ़ाई के लिए लॉस एंजल में दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय गई, लेकिन वह अपना स्नातक पूरा न कर सकी। आजीविका 1970 का दशक प्रमुखता स्टारडम 1970 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया पैकेज में भाग लिया, जहां वह दूसरे स्थान पर आई और उन्हें फर्स्ट प्रिंसेस का खिताब दिया गया। इसके बाद उन्होंने मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल पैकेज में भाग लिया, जिसे उसने जीता। वह पैकेज जीतने वाली पहली फेमिना मिस इंडिया टाइटल होल्डर बनी। अपनी प्रतियोगिता जीतने के बाद अमन ने अभिनय करना शुरू कर दिया। देव आनंद के साथ फिल्म द एविल विदिन में पहली बार दिखाई दी, जो व्यावसायिक रूप से असफल रही। 1971 में अमनजे ओपी रेलर की हलचल में एक छोटी भूमिका में दिखाई दी और उसी वर्ष एक अन्य फिल्म हंगामे में दिखाई दिए, जिसमें विनोद खन्ना, किशोर कुमार, महमूद और हेलन ने अभिनय किया। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। सत्यापन की आवश्यकता अभिनेता और निर्देशक देव आनंद ने जल्द ही अमन को अपनी फिल्म हरे राम हरे कृष्णा 1971 में जसबीर जेनिस के रूप में अभिनय करने के लिए संपर्क किया। अभिनेत्री जहीदा द्वारा भूमिका से इनकार करने के बाद उन्हें एक प्रस्ताव दिया गया। फिल्म एक महत्वपूर्ण सफलता थी, जिसने उन्हें अपनी सफलता हासिल करने में मदद की। फिल्म में उनके प्रदर्शन और अभिनय की प्रशंसा की गई और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार और BJF पुरस्कार जीता। 1970 के दशक में सिने बिल्टिश पत्रिका को लॉन्च किया गया था, जिसके पहले अंक में अमन के कवर पर था। 1973 में उन्होंने हीरा पन्ना में फिर से आनंद के साथ अभिनय किया और नासिर हुसैन की यादों की बारात में विजय अरोरा की नायिका सुनीता के रूप में दिखाई दी। बाद की फिल्म को फिल्म विद्वान कौशिक भौमिक ने पहली सर्वोत्कृष्ट बॉलीवुड फिल्म के रूप में वर्णित किया था। चुरा लिया है तुमने जो तुम्हारे जो दिल को गीत में अमन के प्रदर्शन के ने ध्यान आकर्षित किया, जहां वह उस समय गिटार ले जाने वाली सफेद लड़की के रूप में जानी जाने लगी। उन्होंने संजय खान और के साथ धुन में भी अभिनय किया। डेनी डेंजोगपा इसका कथा नक आगा था। क्रिस्टी के उपन्यास द अनपेक्षित गेस्ट से इसे प्रेरित था। कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, हालांकि फिल्म को औसत कमाई करने वाला घोषित किया गया। 1974 में अमन ने मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में अभिनय करके वर्ष की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक अवसरवादी शीतल की भूमिका निभाई, जो 1 करोड़पति के लिए अपने बेरोजगार प्रेमी को छोड़ देती है। अमन ने पूरे साल देव आनंद के साथ अभिनय करना जारी रखा। प्रेम शस्त्र और इक्स इक्स के में एक साथ दिखाई दी। शम्मी कपूर निर्देशित फिल्म मनोरंजन में निशा के रूप में उनकी भूमिका थी और अजनबी में रश्मि के रूप में अभिनय किया, जो एक महत्वाकांक्षी लड़की है जो राजेश खन्ना के साथ अभिनय करने के लिए कैरियर बनाने के लिए गर्भपात करने पर विचार
करती है। बाद की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया था। 1975 में अमन दो फिल्मों में दिखाई दी दिए उन्होंने वारंट फिल्म में एक हत्यारे के रूप में और चोरी मेरा काम असरमाली के रूप में अभिनय किया, जो दोनों सफल रहे। इसके बाद के वर्ष में वह शशि कपूर के साथ दीवानगी में दिखाई दी और बालिका वधू में एक बिनसरे वाली आवाज की भूमिका निभाई। 1977 में धर्मेंद्र जितेंद्र और नीतू सिंह के साथ एक राजकुमारी के रूप में फिल्म धर्मवीर में अभिनय किया। यह फिल्म उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। डार्लिंग डार्लिंग की फिल्मों में उनकी भूमिकाएं थी, जिसे फिर से देव आनंद के साथ चित्रित किया गया था। फिल्म छैला बाबू में जो एक व्यावसायिक सफलता थी, अमन ने अगली फिल्म हम किससे कम नहीं में ऋषि कपूर के प्रेमी सुनीता के रूप में अभिनय किया, जो वर्ष की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। 1978 में अमन ने हॉलीवुड में प्रवेश करने का प्रयास किया, जो उस समय उल्टा पड़ गया जब कृष्ण साह की फिल्म शालीमार संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों में असफल साबित हुई। उन्होंने अगली बार हीरालाल पन्नालाल में अभिनय किया और साथ ही चोर के घर चोर में अभिनय किया। फिर अशोक कुमार के साथ बाद की फिल्म में अभिनय किया। इसके बाद अमन राज कपूर की फिल्म सत्यम शिव सुंदरम 1978 में दिखाई दी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, हालांकि शुरुआत में आलोचकों से विवाद हुआ। कई लोगों ने कथानक को प्रति सहज बताया। इस विषय में आत्मा के शरीर से अधिक आकर्षक होने की धारणा से निपटा गया। हालांकि कपूर ने अमन की सेक्स अपील का प्रदर्शन किया। उस समय फिल्म की विवादास्पद प्रकृति के बावजूद अमन के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर नामांकन मिला। अमन ने फिल्म डॉन में रोमा के रूप में अभिनय किया। फिल्म के निर्माता नारीमन ईरानी उस समय पैसे खो रहे थे, जिसके कारण अमन ने अपने काम के लिए भुगतान करने से इनकार कर दिया। फिल्म के दौरान ईरानी की मृत्यु हो गई। हालांकि फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी और डॉन फ्रेंचाइजी के आधार के रूप में काम किया। 1979 में अमन ने द ग्रेट गैम्बलर में शबनम के रूप में अभिनय किया। उन्होंने फिल्म पर अपने काम के अनुभव को अपने पसंदीदा में से एक के रूप में वर्णित किया, खासकर जब वे इटली में फिल्माए गए रिलीज गए थे। रिलीज होने पर यह स्लीपर हिट बन गई। उस वर्ष उनकी आखिरी भूमिका गोलमाल में अतिथि भूमिका थी। 1980 का दशक ने तो प्रशंसा और चिटपुट कार्य। 1980 में अमन ने पहली बार फिल्म टक्कर में सपना के रूप में और राम बलराम में मधु के रूप में भूमिकाएं निभाई। उन्होंने बॉम्बे 405 माइल्स में विनोद खन्ना के साथ राधा के रूप में भी अभिनय किया। अमन ने अगली बार संजय खान द्वारा निर्देशित फिल्म अब्दुल्ला में जैनब के रूप में अभिनय किया, जिसमें राज कपूर, डेनी डोंग, डेंजोगपा और शम खान ने साथ अभिनय किया। यह फिल्म उस समय की फिल्म पर खर्च किए गए सबसे अधिक बजटों में से एक थी, जो के खान द्वारा इसकी सफलता के लिए एक जोखिम था। भारत में खराब प्रदर्शन के बावजूद फिल्म ने सोवियत संघ में सफलता हासिल की। अमन ने अगली बार भारतीय सोवियत निर्मित फिल्म एडवेंचर्स ऑफ अली बाबा एंड द 40 थीव्स में फातिमा के रूप में अभिनय किया, जिसे अली बाबा और 40 चोर के रूप में जाना जाता है, जो मूल लोक कथा के तीन फिल्म रूपांतरणों में से एक है। अन्य दो 1954 की फिल्म है और 1966 की फिल्म और अन्य राष्ट्रीयताओं के अभिनेताओं को कास्ट करने वाली पहली फिल्मों में से एक होने के लिए भी विख्यात थी। यह एक मध्यम सफलता थी और अधिक सफल
भारतीय सोवियत संघ निर्माणों में से एक थी। अमन ने इसके बाद फिरोज खान निर्देशित फिल्म कुर्बानी में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने खान और विनोद खन्ना के साथ अभिनय किया। उन्हें शीला एक गायिका और नर्तकी के रूप में लिखा गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी और साउंडट्रैक को विशेष प्रशंसा मिली। आप जैसा कोई गीत, जिसे नाजे हसन ने गाया था और अमन पर फिल्माया गया था, ने फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। अमन ने अमिताभ बच्चन के साथ दोस्ताना फिल्म में शीतल के रूप में भी अभिनय किया। उन्हें अगली बार बी आर चोपड़ा की इंसाफ का तराजू में न्याय की मांग करने वाली बलात्कार पीड़िता के रूप में लिया गया, जो इसके साउंडट्रैक के बजाय इसकी कहानी पर ध्यान केंद्रित करने वाले कुछ लोगों में से एक था। फिल्म ने अमन को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना दूसरा नामांकन अर्जित किया। 1981 में अमन चार फिल्मों में दिखाई दी। उन्होंने पहली बार प्रोफेसर प्यारे लाल में सोनिया के रूप में धर्मेंद्र की नायिका के रूप में जमीला के रूप में कातिलों के कातिल के में अभिनय किया और फिल्म क्रोधी में नीरा के रूप में दिखाई दी। इसके बाद अमन ने अमिताभ बच्चन के साथ लावारिस में अभिनय किया। 1982 में अमन ने अपराध फिल्म में अभिनय किया, अशांति में अभिनय किया। 1983 में उन्होंने फिल्म महान में रीता के रूप में अभिनय किया, जो पहली बार ट्रिपल रोल चरित्र की विशेषता थी। फिल्म एक औसत से अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उसी वर्ष उन्होंने पुकार फिल्म में जूली के रूप में अभिनय किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया। फिल्म को 2000 के अनुकूल सहित विभिन्न मनोरंजनों में बताया गया है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया। इसके अलावा 1983 में उन्होंने फिल्म हमसे है जमाना में निशा ठाकुर के रूप में अभिनय किया। 1984 में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ जागीर में मुख्य नायिका सीमा के रूप में अभिनय किया, मिथुन चक्रवर्ती और प्राण। 1985 से 1989 तक वह मजर खान के साथ अपनी शादी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिल्मों में कम बार दिखाई दी। इस अवधि में उनकी फिल्में गंभीर और आर्थिक रूप से असफल रही। उन्होंने फिल्म गवाई, एक कोर्ट रूम ड्रामा में अभिनय किया, जो फिल्म उद्योग से एक अस्थायी सेवानिवृत्ति लेने से पहले उनकी आखिरी फिल्म भूमिका होगी। 2000 कमबैक। इंडस्ट्री में 10 साल निष्क्रिय रहने के बाद अमन फिल्म भोपाल एक्सप्रेस 1999 में एक कैमरे भूमिका में दिखाई दी। हालांकि वह 2003 तक किसी अन्य फिल्म में दिखाई नहीं दी। जब वह फिल्म बूम में एलिस के रूप में दिखाई दी, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत कम प्रदर्शन किया। निर्माता आयशा श्रॉफ सहित फिल्म में चालक दल के लिए वित्तीय समस्याओं का एक सेट बना। 2004 में वह मुंबई में सेट एंड्रयूज सभा सागर में मंचित नाटक द ग्रेजुएट में श्रीमती रॉबिन्स के रूप में दिखाई दी। उन्होंने करण जौहर द्वारा होस्ट किए गए टॉक शो कॉफी विद करण में अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ भी उपस्थिति दर्ज कराई थी। अमन ने तब फिल्म मक्षम 2005, जाना टैलेंट फॉल इन लव 2006 में राजू की माँ के रूप में और चौराहे में भूमिकाएं निभाई, जो 2012 में रिलीज हुई थी, लेकिन मूल रूप से 2007 में फिल्माई गई और बंद कर दी गई थी। 2008 में अमन ने पिक्चर फिल्म अगली और पगली में अतिथि भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने फिल्म गीता इन पैराडाइज 2009 में अभिनय किया। 2008 में अमन को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान की मान्यता के रूप में 2008 में जी सिने अवार्ड समारोह के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। उन्हें कोलंबो श्रीलंका में आयोजित आईफा अवार्ड 2010 में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान का पुरस्कार भी मिला। 2010 व्यावसायिक विस्तार। 2010 में अमन ने फिल्म डू नो वाई न जाने क्यों में रेबिका के रूप में अभिनय किया। यह फिल्म मूल रूप से राष्ट्रव्यापी फिल्म समारोह में प्रसारित की गई थी और आलोचकों द्वारा इसकी समलैंगिक रूढ़िवादिता के लिए आलोचना की गई थी।
हालांकि फिल्म ने फिल्म समारोह के माध्यम से सफलता हासिल की और बाद में एक सीमित नाटक रिलीज हासिल की। फिल्म में अमन ने आप जैसा कोई और गाने पर चुरा लिया है तुमने, जो बाद में इसके सिक्वल डोंट वाई टू लाइफ इज एन मोमेंट को जन्म दिया, जो 2014 में रिलीज हुई, जिसमें अमन ने भी अभिनय किया। 2012 में स्ट्रिंग ऑफ पैशन में अमन को रोमा के रूप में लिया गया था। अमन ने दिल तो दीवाना है 2016 और सल्लू की शादी 2017 फिल्मों में भूमिकाएं निभाई। सल्लू की शादी अभिनेता सलमान खान को श्रद्धांजलि के रूप में बनाई गई थी। 2017 में अमन को अकाल्पनिक वेब श्रृंखला में लिया गया था। लाइफ लव लाइफ एंड स्क्रू ऑफ्स में लिया गया था, जिसमें उन्होंने जोआना की मुख्य भूमिका निभाई, जो एक कठोर प्रेम जीवन और व्यक्तिगत समस्याओं के साथ एक स्पिनर है, जो अक्सर युवा लोगों के साथ घुल मिल जाती है। इस शो को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था, जिसमें पोलैंड में एक फिल्म समारोह भी शामिल था, जो वहां एक समारोह में प्रदर्शित होने वाली भारतीय वेब श्रृंखला थी। जबकि श्रृंखला को आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं मिली, अमन के प्रदर्शन के आलोचकों ने प्रशंसा की। जून 2019 में अमन फिल्म पानीपत के कलाकारों में शामिल हो गई, जहां उन्होंने सकीना बेगम की छोटी भूमिका निभाई, एक चरित्र जिसे निर्देशक आशुतोष गोवेरकर ने होशियारगंज में के अपने प्रांत का नेतृत्व करने वाले एक सामंतवादी चरित्र के रूप में वर्णित किया। इसे दिसंबर 2019 में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। ईस्टर्न आई के साथ सितंबर 2019 में एक साक्षात्कार में अमन ने वर्तमान में फिल्म उद्योग में अपनी गतिविधि पर चर्चा करते हुए कहा कि मेरी उम्र की महिलाओं के लिए कोई बड़ी उम्र उपयुक्त भूमिकाएं नहीं हैं, वे हिंदी सिनेमा में बहुत कम और बहुत दूर है, इसलिए बस इतना ही। लेकिन मैं नहीं कहूँगा अगर वास्तव में एक महान भूमिका साथ आती है। 2020 फरवरी 2020 में घोषणा की गई कि अमन थिएटर में वापसी कर रही है। कस्तूरबा गांधी पर एक नाटक में दिखाई दे रही है। जनवरी 2021 में यह घोषणा की गई कि वह आगामी मर्डर मिस्ट्री फिल्म मडगांव द क्लोज्ड फाइल में अभिनय करेगी, जो 1980 के दशक के बाद उनकी पहली प्रमुख भूमिका थी। फिल्म में जो अखता क्रिस्टी को श्रद्धांजलि है, एक श्रद्धांजलि है। अमन एक एग्लो इंडियन परिवार में मुखिया की भूमिका निभाएगी, जो एक स्वतंत्र महिला, एक माँ और एक साथ ही एक उद्यमी भी है। व्यक्तिगत जीवन। 1978 में अमन ने अभिनेता संजय खान से शादी की, जिसे 1979 में रद्द कर दिया गया था। अमन ने 1985 में अभिनेता मजर खान से शादी की और 1998 में उनकी मृत्यु हो गई। मजर खान ने के साथ उनके दो बच्चे थे और उनकी शादी कुल 13 साल हो गए थे। मजर खान ने अमन के दो बेटे हैं, फिल्म निर्देशक आजान खान, जिन्होंने डकैती फिल्म बैक्स्टर का निर्देशन किया, और संगीतकार जहान खान, उन्होंने 2000 की फिल्म गैंग में भी एक कैमरियो भूमिका निभाई है। 1998 में मजहर की मृत्यु के बाद वह अपने बेटों के साथ रहती हैं। मजहर के साथ अपनी शादी में अमन ने कहा कि वह नाखुश थी। उन्होंने शो में 1999 में मजहर के साथ अपनी शादी पर टिप्पणी की। सिमी ग्रेवाल के साथ मुलाकात। मजहर कभी नहीं चाहते थे कि मैं एक व्यक्ति या एक कलाकार के रूप में विकसित हों। वह हमेशा चाहता था कि मैं बच्चों के साथ रहूं और घर पर रहूं। शादी के पहले के साल में मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैंने इसे जीने और इसे काम करने का फैसला किया।
मैंने इसे और 12 साल तक काम करने की कोशिश की। सुरंग के अंत में मेरे लिए कोई रोशनी नहीं थी और 12 वर्षों में एक भी क्षण खुशी या खुशी का नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी इसे काम करने की कोशिश की। 1980 में अमन एक घटना में दुर्व्यवहार का शिकार हुए थे, जिसमें अभिनेता संजय खान ने उसे पीटा था। उन्हें खान का फोन आया था कि अब्दुल्ला फिल्म के लिए विशेष चर्चा करने के लिए कहा गया था। वह उसके साथ उस होटल में मिली जिसमें वह बैठक के लिए रुका था, जहां उसने उसे बुरी तरह पीटा। इसके परिणाम स्वरूप घटना के बाद कई लोग घायल हो गए। यह उसकी पत्नी ने देखा था, जिसने कथित तौर पर अमन को पीटते रहने के लिए उसे उत्साहित किया था। इस घटना ने अमन को असली बना दिया और उसके बाद में कहा कि वह दिखावा करती है, कि ऐसा कभी नहीं हुआ। फरवरी 2018 में अमन ने व्यवसायी अमन खन्ना के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया, जिसे सरफराज के नाम से जाना जाता है। अमन का पीछा करने, परेशान करने और लूटने के साथ साथ कथित और तौर पर अमन के साथ कई बार बलात्कार करने के बाद खन्ना के खिलाफ आरोप लगाए गए, जिस में उन्हें कैद कर दिया गया था। वर्णित घटनाएं 2011 और 2016 के बीच हुई थी। प्रभाव और उपलब्धियां। अमन को अपने अभिनय कैरियर में कई फिल्मों में अक्सर यौन शोषण के लिए विवादों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए कुछ आलोचकों और प्रशंसकों का मानना था कि उनके प्रदर्शन पर भारी पड़ गया। इस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, मुझे किसी भी चीज के लिए खेद नहीं है या बुरा नहीं लगता या नहीं हुआ है। अगर मैंने कुछ खो दिया है तो मुझे कुछ और मिला है। तथ्य यह है कि मैं अपने कैरियर को इस तरह से देख सकते हूँ। बहुत गर्व और खुशी का मतलब है कि मैंने बिना किसी शिकायत के अच्छा प्रदर्शन किया है। मार्च 2016 में कलाकार मीना सिद्दीकी द्वारा बनाई गई एक प्रदर्शनी दुबई में शुरू हुई थी, जिसमें अमन को समर्पण में विभिन्न कार्यों और कलाओं को दिखाया गया था, जिसका शीर्षक जीनत अमन था, जिसमें टैग लाइट रिडिफाइंडिंग ब्यूटी थी। इस कार्यक्रम में स्वयं अमन के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान सहित विभिन्न देशों के सदस्यों ने भाग लिया। अप्रैल 2019 में बॉलीवुड हंगामा में अमन को सभी समय की 10 सबसे हॉट बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया। उन्हें अक्सर बॉलीवुड के मूल सेक्स प्रतीक के रूप में उद्घृत किया गया है और अपने फिगर और लुक के लिए कुख्यात है। हालांकि अमन ने कहा कि वह इस शब्द को गंभीरता से नहीं लेती है और इसके द्वारा प्रतिबंध महसूस करती है। अमन ने 2019 में मीडिया एक्सपोजर से निपटने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे इसकी आदत नहीं है और मैं बहुत धन्य महसूस करती हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा, यह केवल अब मुझे एहसास हुआ कि मैं इतना कितना धन्य हूँ। मैं देखती हूँ, लोग मेरी फिल्मों और गानों को एक आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। जब वे मेरी फिल्मों और गाने देखते हैं तो एक अद्भुत अनुभव होता है। जब मैं उनके शहर में होती हूँ तो वे उस प्यार से के साथ मेरे पास पहुँचते हैं और मैं इसके लिए बहुत धन्य और आभारी महसूस करती हूँ। पुरस्कार। अमन ने 2 अन्य नामांकन और एक भी है जे पुरस्कार के साथ एक फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। 1973 BFJ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हरे राम हरे कृष्णा जीत लिया। 1972 सबसे अच्छी सहनायिका हरे राम हरे कृष्णा जीत लिया। 1979 फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सत्यम शिवम सुंदरम मनोनीत। 1981 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इंसाफ का तराजू मनोनीत सम्मान। 2003 बॉलीवुड अवार्ड्स अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट लाइफ टाइम फॉर ग्लैमर्स। 2006 आठवीं वार्षिक बॉलीवुड
मूवी अवार्ड्स में भारत के मोशन पिक्चर इंडस्ट्री अवार्ड में उत्कृष्ट योगदान 2008 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड, 2010 ग्यारहवें आईफा अवार्ड्स में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान, 2016 फिल्म फेयर ग्लैमर्स एंड स्टाइलिश अवार्ड्स में टाइमलेस ग्लैमर्स एंड स्टाइलिश आइकन, 2018 सोसाइटी अचीवर्स अवार्ड लाइफ टाइम अचीवर्स अवार्ड से उनको जो सम्मानित किया गया है। फिल्मोग्राफी यह एक जीनत अमान एक भारतीय अभिनेत्री यह एक भारतीय अभिनेत्री जीनत अमान की पूर्व फिल्मोग्राफी जो बॉलीवुड फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। अमन ने 1970 में अभिनय करना शुरू किया और उनके शुरुआती कार्यों में द एविल विदिन और हलचल फिल्में शामिल थी। उनकी सफलता फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के साथ थी, जिसमें उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उन्होंने अगली बार यादों की बारात में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें और पहचान मिली और 70 के दशक में रोटी कपड़ा और मकान अजनबी वारंट में भूमिकाओं के साथ खुद को एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। चोरी मेरा काम, धर्मवीर, छैला बाबू, हम किसी से कम नहीं, द ग्रेट गैम्बलर ये भी सफल रहे। 1978 में अमन ने फिल्म सत्यम सेवन सुंदरम में अभिनय किया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली और इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने डॉन में भी अभिनय किया, एक फिल्म जिसे ने डॉन फिल्म श्रृंखला को जन्म दिया। 1980 के दशक में अमन ने लगातार 5 सफल फिल्मों में अब्दुल्ला, अली बाबा और 40 चोर, कुर्बानी, दोस्ताना और इंसाफ का तराजू में प्रमुख भूमिकाएं निभाई, जिसे अमन के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए उन्हें एक और नामांकन प्राप्त हुआ। उन्होंने 1980 के दशक में फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा। लावारिस, महान पुकार, जागीर की सफलताओं में अभिनय किया और तीसरी राह, हम से है जमाना फिल्मों में भूमिकाएं निभाई। 1985 में अभिनेता मजहर खान से शादी के बाद अमन ने अपनी शादी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिल्मों में कम दिखाई देना शुरू कर दिया और 1989 में एक अंतराल लिया। उस अवधि के लिए उनकी आखिरी फिल्म गवाई में दिखाई दी। 1999 में अमन ने फिल्म भोपाल एक्सप्रेस में अभिनय करते हुए अभिनय में वापसी की। उन्होंने 2003 तक अभिनय जारी नहीं रखा। फिल्म बूम में दिखाई दी और तब से अगली और पगली, डोनोवाई ना क्यों जाने क्यों, चौराहे 2012, स्ट्रिंग ऑफ फैशन 2014 में अभिनय किया, पता नहीं, वाइटो, लाइफ इज ए मोमेंट 2015, दिल तो दीवाना है 2016, सल्लू की शादी 2017 और पानीपत 2019 में दिखाई दी। फिल्मोग्राफी 1917 वर्धन असरानी, इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1940। उन्हें आमतौर पर असरानी के नाम से जाना जाता है। यह एक भारतीय अभिनेता और निर्देशक है, जिनका बॉलीवुड करियर 5 दशकों तक फैला है। उन्होंने 350 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। असरानी ने मुख्य नायक, चित्रित भूमिकाएं, हास्य भूमिका और सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने शोले में जेलर के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने 25 फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ 1972 से 1970 के बीच में मुख्य भूमिका निभाई थी। जन्म गोवर्धन असरानी, 1 जनवरी 1940, उम्र 82, जयपुर, जयपुर राज्य, ब्रिटिश भारत, अल्मा मेटर राजस्थान, कॉलेज FTII पुणे, पेशा अभिनेता निर्माता, सक्रिय वर्ष 1969, वर्तमान जीवन साथी मंजू असरानी, पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्मों में उन्होंने 1966 से 2013 तक हास्य अभिनेता भूमिका और 1972 और 1990 फिल्म में मुख्य नायक के करीबी दोस्त के रूप में सहायक भूमिका निभाई है। कुछ हिंदी फिल्में जैसे
चल मुरारी हीरो बने, सलम बेमिसाल में उन्होंने मुख्य नायक की भूमिका निभाई। यदि गुजराती फिल्मों में उन्होंने 1972 से 1984 तक मुख्य नायक की भूमिका निभाई, 1984 में 2012 तक चित्रित भूमिका निभाई और 1997 के बाद 6 फिल्मों में निर्देशन भी किया। प्रारंभिक जीवन। असरानी का जन्म जयपुर के मध्य वर्गीय सिंधी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता एक कालीन की दुकान खोली। उसकी 4 बहनें और 3 भाई हैं, 2 बड़े एक छोटी। असरानी को व्यापार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, गणित में कमजोर था। उन्होंने सेंट जोसेफ स्कूल में मैट्रिक की पढ़ाई की और राजस्थान कॉलेज जयपुर में स्नातक की पढ़ाई पूरी करी। उन्होंने अपने शिक्षा के भुगतान के साथ ऑल इंडिया रेडियो जयपुर की आवाज कलाकार के रूप में काम किया। उन्होंने अभिनेत्री मंजू बंसल से शादी की, जिनकी आज ताजा खबर और नमक हलाल जैसी साथ काम करने के दौरान प्यार हुआ था। शादी के बाद उन्होंने तपस्या, चांदी, सोना, जान ए अबा, जुर्माना लायक, सरकार महान, चोरों सिपाही में भी ने किया। आज का ताजा खबर, मरसानी ने चंपक भूमिया, अमित देसाई और मंजू ने केसरी देसाई के साथ भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने अरसानी सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। बाद में इस जोड़ी ने हम नहीं सुधरेंगे में अभिनय किया 1990 में असरानी द्वारा निर्देशक होम प्रोडक्शन। अब आजीविका। उन्होंने 1972 तक सहित कला भाई टक्कर मैंने सीखना शुरू किया। 1962 में उन्होंने अभिनय के अवसरों की तलाश मुंबई की यात्रा की। 1963 में किशोर कुमार, किशोर साहू और श्री कृष्ण मुखर्जी के साथ आवश्यक मुलाकात पर उन्होंने उनके पेशावर अभिनय सीखने की सलाह दी। 1964 में पुणे के फिल्म अनेक फिल्म संस्थान में प्रवेश लिया और 1966 में अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपना पहला ब्रेक 1967 कोहरे कांच की चूड़ियां में अभिनीत बहुजीत की दोस्ती भूमिका में मिला। फिल्म संस्थान उन्हें कई लोग को प्रभावित किया और बनाया नवगत अभिनेता वहीद रहमान नहीं हिंदी अभिनेत्री के साथ एक गुजराती फिल्म एक नायक के रूप में उन्होंने अभिनय को तोड़ दिया। 1967 में 1969 तक 4 अन्य गुजराती फिल्मों में काम किया। उन्होंने 1967 से 1969 के बीच में हिंदी फिल्म उद्योग में प्रस्ताव नहीं मिले। उनके पुराने सलाहकार हृषिकेश मुखर्जी ने उन्हें भूमिका दी। फिल्म सकारात्मक सत्यकाम में सहायक अभिनेता। 1969 में उन्हें फिर मेरे अपने में देखा गया। 1971 में फिल्मों में मुख्य हास्य अभिनेता के या मुख्य अभिनेता के करीबी दोस्त के रूप में अधिक प्रस्ताव मिलने लगे। मुखर्जी, आत्माराम और गुलजार जैसे निर्देशकों ने उन्हें 1971 से 1974 की अवधि में बार बार कास्ट किया। इन फिल्मों में माध्यम में उनके काम पर ध्यान दिया गया। इन भूमिकाओं के माध्यम कैरियर की कई सहायक और हास्य भूमिकाओं के लिए टोन सेट किया। 1970 के दशक में उनकी मांग पहले चरम पर थी, क्योंकि वे 1970 से 1979 तक 101 फिल्म में दिखाई दी। हालांकि शुरुआत में राजेश खन्ना और असरानी की मुलाकात केवल बाबाचारी के सेट पर, लेकिन नमक हराम के बाद वे करीबी दोस्त बन गए। बाद में कॉमेडियन के रूप में राजेश खन्ना जोर देकर कहा कि निर्माता निर्देशक असरानी को अपनी फिल्मों में हिस्सा बनाए। असरानी खन्ना के साथ 1972 से 1991 तक बाबरची से घर परिवार तक 25 फिल्मों में दिखाई दिए। 1970-1979 तक सहायक अभिनेता के रूप में सबसे यादगार कृति में मेरे अपनी कोशिश, बाबूचारी, परिचय, अभिमान, महबूबा, पलकों की छाव में, दो लड़के दो
गद्दे बंदिश, और उन्होंने 1977 में लिखे उन्होंने दर्शित एक फिल्म चलना मुरारी रवन्ने में मुख्य नायक की भूमिका निभाई, जिसमें समीक्षा द्वारा सराहा गया। 1970 में कॉमेडियन के रूप में उन्होंने उल्लेख भूमिका आज की ताजा खबर, रोटी, प्रेम नगर, चुपके चुपके, छोटी सी बात, रफू चक्कर, शोले, बालिका वधू, फरीकार, अनुरोध, छैला बापू, चरस, फांसी, दिल्लागी, दिल्लागी में है, बन्ना लाल, पति पत्नी और वो हमारे तुम्हारे। हालांकि उन्होंने कई सहायक किरदार निभाया था, लेकिन उन्होंने पहली बार खून पसीना में गंभीर भूमिका निभाई। उन्होंने कोशिश न को दुष्ट भाई की भूमिका, एलविन प्रसिद्ध को बधाई में, हैप्पी ग्रामीण दो दोहरी भूमिका, ऋषिकेश मुखर्जी की चोटली में पड़े बीड़ी गंद, स्टेपिंग गंजर जैसी भूमिकाएं निभाई। एक रोमांटिक थी बी आर चोपड़ा की नेहा निका, जिन्हें पुराने अभिनेता यकूब की तरह कवल्ली गई, और केस प्रकाश की प्रेम नगर में दलाल की भूमिका निभाई। बाद में अब क्या होगा तेरी मेहमानिया में विरोध भूमिका निभाई। 2070 में एक दशक में उनकी काफी चर्चा हुई और वह राजेश खन्ना के करीबी दोस्तों में से एक थे। वह डी रेमनोडन द्वारा निर्वाचित और हरिकेश मुखर्जी BHR के पपैया निवारण दूसरी के रविंद्र राव बसु चटर्जी द्वारा 1972 से 1992 तक निर्देशित फिल्मों में नेत विशेषता बन गई। उन्होंने 1974 की ताजा खबर से 1977 तक बालिका वधू में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ हस्त। 1974 में असरानी ने गुजराती में अपनी पहली फिल्म को नायक के रूप में निर्देशित किया और किशोर कुमार द्वारा गाया गया गीत हो अहमदाबाद नो रिक्शा रिक्शा लो असरानी पर चित्रित किया गया था। असरानी पर फिल्माए गए और किशोर कुमार द्वारा हिंदी में गाए गए गाने हमारे तुम्हारे से अच्छा, चलो जी बाबा माफ कर दो, ये कैसा इंसाफ से प्यार मैं करूँगा, है मुन्नू भाई मोटर चली पम पम, उनके द्वारा किशोर कुमार के साथ गाया गया था। और 1978 में फूल खिले गुलशन गुलशन में ऋषि कपूर और उन पर फिल्माया गया था। 1980 के दशक में उन्होंने 107 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। असरानी के नाम एक दशक में सबसे अधिक हिंदी फिल्मों में चित्रित अभिनेता, हास्य अभिनेता के रूप में प्रदर्शित होने वाला का रिकॉर्ड है। 1970 के दशक में 101 और